दुनिया भर के बाजारों में कमजोरी का माहौल, लेकिन भारतीय बाजारों में कमजोरी के साथ साथ है उतार चढ़ाव भी, और कल की एक्सपायरी की हो चुकी है अभी से तैयारी। तो आखिरी डेढ़ घंटा रहेगा बेहद एक्शन भरा, और एक्शन क्या होगा, कैसा होगा और क्या करें आप, इस पर होगा हमारा फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। और आप मार्केट्स में देखिए 12,000 के आसपास रसाकसी जैसा जो माहौल है वो निफ्टी में फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो अब तक का जो कारोबार है, जो पांच बड़ी बातें हैं बाजार की, पहले उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। निफ्टी में 0.5% की गिरावट है, 12,000 के एग्जैक्ट लेवल पर ट्रेड करता हुआ। वहीं बैंक निफ्टी लगभग 125 अंक नीचे इस वक्त ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। रुपया निचले स्तरों से रिकवर हुआ है, इस वक्त $1 का दाम 72 के करीब आपको नजर आएगा। तो रुपए में भी उतार चढ़ाव साफ आपको दिख रहा है, कमजोर शुरुआत, और उस कमजोर शुरुआत के बाद करेंसी मार्केट में हल्की रिकवरी निचले स्तरों से आती दिख रही है। ऊपरी स्तरों से कच्चे तेल पर दबाव आया है, अब ब्रेंट क्रूड का दाम $69 के बेहद करीब, और सोना भी ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे जरूर आए, लेकिन हाँ M6 पे चमक बढ़ी है, भाव 41,000 के पार टिके रहने में कामयाब इस वक्त आपको सोने के नजर आएंगे। तो ढेर सारा एक्शन है, और एक्शन पूरा का पूरा हमने इंपोर्ट किया है। जी हाँ, हिंदुस्तान के बाहर का एक्शन है जो हिंदुस्तान के बाजारों पर डाल रहा है असर। क्या कुछ हो रहा है दुनिया भर में, ये जानना जरूरी है। और ऐसे में आज बाजार खुलने के बाद क्या कुछ डेवलपमेंट ईरान और अमेरिका के बीच में हुए, ये जान लेना, समझ लेना बेहद जरूरी है। जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, किस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, किस तरह के एक्शन दोनों देशों ने किए, ये बताने के लिए तैयार है दीपांशु। दीपांशु बताइए। अनिल जी, आज सुबह तकरीबन 5 बजे बाजार खुलने से पहले ही हुआ, पर उसी का असर चल रहा है। 22 मिसाइल्स का अटैक हुआ 2 अमेरिकी एयरबेसिस में जो इराक में है, अल असद और इब्रिल। और ये दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि अल असद वेस्टर्न इराक का हेडक्वार्टर्स है अमेरिका के लिए, और इब्रिल में काफ़ी सारे देशों की सेना है, अमेरिकी है, कैनेडियन है, जर्मन है और ब्रिटेन है। इसके अलावा ईरान ने दुबई, यूएई और इसराइल में भी हमले करने की धमकी दी है। अब थोड़ी देर पहले क्या हुआ है, ईरान की मीडिया का दावा है कि इस हमले में 80 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है। वो ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका की काफ़ी हेलीकॉप्टर और अन्य सैनिक ठिकानों पर भी भारी नुकसान हुआ है। उनका ये भी दावा है कि ईरान के पास 100 अमेरिकी ठिकानों की इंफॉर्मेशन है जिस पर वो हमला करने की क्षमता रखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अली खमेनी, उनका भी बयान आया। वो कह रहे हैं कि अमेरिका की फौज को पश्चिम एशिया से बाहर जाना चाहिए, अमेरिका की वजह से पश्चिम एशिया में अशांति चल रही है, और यूएस परमाणु शक्ति का घमंड दिखा रहा है अमेरिका, जिसकी वजह से जोरदार जवाब दिया है ईरान ने इस समय उन्हें। ओके, लेकिन इसके साथ ही और क्या कुछ एक्शन हुआ है, ये भी दीपांशु बताएं कि दोनों देशों के नेता क्या कह रहे हैं। एक तो जो अली खमेनी अभी बोल रहे हैं कि आप अपनी सेना लेकर जाइए, हमने सेल्फ डिफेंस में करा है। थोड़ी देर पहले जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका भी बयान आया था। उनका कहना है कि हम अमेरिका के साथ युद्ध नहीं चाहते हैं, अगर अमेरिका इस अटैक का बदला नहीं लेता है तो फिर आगे हम भी हमारी तरफ से कोई हमला नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप, ये सबसे इंटरेस्टिंग है, इन्होंने हालांकि कोई बयान नहीं दिया, पर एक सुबह इन्होंने ट्वीट डाला था जिसकी वजह से मार्केट्स में रिकवरी भी देखी थी। इन्होंने कहा ऑल इज़ वेल, हमारे पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है, और ये भी कह रहे हैं कि मैं कल सुबह, मतलब कि आज शाम, उनके लिए कल सुबह मतलब हमारे लिए आज शाम को बयान दूंगा और डिटेल्स आपको बताऊंगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। इसके अलावा जो बाकी यूएस एस्टैब्लिशमेंट के लीडर्स हैं, उन्होंने कहा है कि हम हमले का असेसमेंट कर रहे हैं और उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि किस तरह का रिस्पॉन्स होना चाहिए। थोड़ी देर पहले इराकी सेना का भी दावा आया, उनका कहना है कि इस हमले में किसी इराकी की भी मौत नहीं हुई है। तो काउंटर क्लेम्स आ रहे हैं, अमेरिका और इराक कह रहे हैं कि किसी की भी मौत नहीं हुई है, और ईरान कह रहा है कि 80 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है। ये सब कुछ ईरान और अमेरिका के बीच में ढेर सारे एक्शन, ढेर सारे ट्वीट, ढेर सारे आरोप प्रत्यारोप चलते हुए। अब नेक्स्ट जिस पर नजर रखी, वो मेरे ख्याल से आज शाम को, हमारे हिसाब से आज शाम को अमेरिका में सुबह हो जाएगी, जो ट्रंप साहब का ट्वीट आता है वही अगला बड़ा ट्रिगर होगा दीपांशु। वही अगला बड़ा ट्रिगर होगा, क्योंकि उनका अभी तक इस बात पर कुछ भी कहना नहीं है। और अनिल जी, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, आज ईरान में दो और चीजें हुई हैं। एक तो भूकंप आया है, एक न्यूक्लियर प्लांट के पास भूकंप आया। तो कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि शायद उन्होंने कोई न्यूक्लियर टेस्ट करा है, पर यह कंफर्मेशन नहीं है। दूसरी चीज है, ये यूक्रेनियन एयरलाइंस का एक प्लेन तेहरान के पास क्रैश हो गया है, उसके चलते चलते भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद ये मिसाइल अटैक था, पर जो यूक्रेन की एम्बेसी है उसका कहना है कि ये मिसाइल अटैक नहीं था, ये तकनीकी प्रॉब्लम या इंजन फेलियर की वजह से क्रैश हुआ है। पर इसके चलते चलते काफी सारे
देशों ने ईरान और इराक के ऊपर एयर स्पेस अपने सिविलियन फ्लाइट्स के लिए बंद कर दी है। अमेरिका ने पूरे गल्फ रीजन के लिए बंद कर दी है। काफी एयरलाइंस ने कहा है कि अब हम इस रीजन के ऊपर फ्लाई नहीं करेंगे। और भारतीय सरकार की तरफ से भी एडवाइजरी आई है, सारी एयरलाइंस को कहा है कि ईरान और इराक के ऊपर आप फ्लाई नहीं करिए। और सिटीजन्स को भी एडवाइजरी दी है कि अगर आपको कोई ज़रूरी काम नहीं है, बेवजह ईरान और इराक आप मत जाइए। और यहाँ पर ऑलरेडी जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए भी गवर्नमेंट, अभी तो वजह से ही नहीं जा रहे लोग, बेवजह के तो छोड़ो कोई वजह भी आ जाए तो सोचे नहीं जाना है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग चीज़ें, सारा चीज़ें जो हो रही ईरान में इसी वक्त होनी है, प्लेन क्रैश भी हुआ है, भली तकनीकी गड़बड़ी से, भूकंप भी अभी आना है। अच्छा, भूकंप जब आए सुबह हम भी यही बात करें, मेरे भी दिमाग में पहली चीज़ यही है कि वो बुशहर जो जगह है जहाँ पर वो हुआ वही न्यूक्लियर पावर प्लांट है, का कहीं छोटा मोटा कहीं अंदर जमीन के अंदर ब्लास्ट व्लास्ट ना किया हो। लेकिन चलिए अब वो अंदाजा भी लगा रहे हैं लोग, तो हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो या ना हुआ पता नहीं। लेकिन ये ढेर सारा एक्शन है जिस पर आपको नजर रखनी है। आइए एक एक्शन और दिखा दें आपको, और वो है कैबिनेट के फैसले जो आज हुए, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, प्रकाश जावड़ेकर साहब बात करें, आइए सुनते हैं। डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मेकॉन भेल हमारे पास जो है, और ओडिशा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन और ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन, इन छह संस्थाओं के जो नीलांचल इस्पात में शेयर्स है उसका कुछ पार्ट ये डिसइन्वेस्ट करेंगे, जो नया ऑक्शन में विजयी होगा उसको ये शेयर मिलेंगे, उससे नीलांचल इस्पात का रूप बदलेगा, रोजगार बढ़ेगा, नया तकनीक आएगा और देश के विकास में इस इस्पात ने पहले इतिहास में भूमिका बजाई है, तो वैसी ही महत्वपूर्ण भूमिका करेंगे, ये मुझे विश्वास है। आज और भी कुछ निर्णय हुए हैं जिसका केवल सरसरी उल्लेख करता हूं क्योंकि प्रेस रिलीज आपको सारा देंगे। ये जो कैबिनेट ने आज फ्रांस के साथ मोबिलिटी के समझौते को भी मंजूरी दी है, जिसमें छात्र, शैक्षिक विद्वान, प्राध्यापक और स्किल्ड मैन पावर, इसका दोनों देशों में सहज रूप से आसान तरीके से उनको आने जाने की सहूलत मिले और वो काम करने का अवसर मिले, इसके लिए ये मुख्यता है और उसका भी प्रेस रिलीज दे रहे हैं। उसके साथ साथ हेल्थ के क्षेत्र में मिलिंदा गेट्स एंड बिल गेट्स फाउंडेशन बहुत महत्वपूर्ण काम करता है दुनिया भर में, उनके साथ जो एक समझौता हुआ उसको भी एक तरह से पोस्ट फैक्टो अप्रूवल दे रहे, जिसमें मैटरनल मोर्टेलिटी कम होगी, चाइल्ड मॉर्बिडिटी पर अच्छा इलाज होगा, फैमिली प्लानिंग की क्वालिटी अच्छी बढ़ेगी और जो इन्फेक्शियस डिसीजेस है टीबी जैसे, उस पर भी सार्थक और उपाय होंगे। और कुल मिला के स्वास्थ्य की जो हमारी सेवाएं हैं उसके एफिशिएंसी में वृद्धि होगी। एक तीसरे समझौते में इंग्लैंड के साथ इंडियन रेलवेज की एनर्जी एफिशिएंसी बढ़े, बिजली की खपत कम हो और काम ज्यादा हो, इसके लिए जो काम करना है उसके बारे में एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण होता हुआ है। और आज आखिर में कैबिनेट ने स्वीडन के साथ जो आर्कटिक रीजन है, उत्तर ध्रुव के आसपास का इलाका है, उसमें स्वीडन एक मेंबर स्टेट है, भारत एक ऑब्जर्वर स्टेट है, दोनों का कोऑपरेशन से हमारा इस विषय में जो शोध चल रहा है उसको और ज्यादा गति मिलेगी, इसलिए यह भी समझौता महत्वपूर्ण है। यह है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कैबिनेट के फैसलों के बाद होती हुई दिख रही दिल्ली में। यहाँ पर अगर और कुछ अहम महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट काम की बात होगी हम फिर से जाएंगे, लेकिन तब तक आपको बता दें कि NINL जो जी बिजनेस ने आपको सबसे पहले एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी कि NINL में सरकार की हिस्सेदारी बिकेगी और MMTC इसमें 50% का हिस्सा रखती है, तो ये वो खबर थी जो हमने आपको बताई। आइए अब कार्यक्रम को
आगे बढ़ाने से पहले एक बार बिगुल बजाना जरूरी है, उसके बाद हम खबरों पर नजर डाल लें, इवेंट्स पर नजर डाल लें और बाजार के अब तक के एक्शन पर नजर डाल लें। लेकिन पहले वागले साहब के लिए बिगुल बीटीएसटी का। बताएं सर। आफ्टरनून अनिल जी, एक ब्रेकआउट है जुबिलेंट फूड्स में जिसको मैं कवर करना चाहता हूं। 1711 1712 के करंट भाव से बाय करें, 1700 के नीचे का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और मेरे लिए 1740 1745 तक के लेवल्स शायद आज नहीं आएंगे लेकिन एक से दो दिनों में पक्के आएंगे ऐसा मेरा मानना है। एक क्लियर कट ब्रेकआउट है और अब दो से तीन दिन का व्यू लेते हो तो मेरा 1760 का टारगेट है इसमें। 1700 का स्टॉप लॉस है राइट, 1700 के नीचे का राइट। ओके, और टारगेट दोनों बता दें आप, छोटा वाला भी और बड़ा वाला भी। 1740 का पहला टारगेट जो यहां से लगभग एक 28 रुपए है और बड़ा वाला 1760 जो दो से तीन दिन लग सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए दोनों ही टारगेट ऊपर की तरफ के, ये आपके लिए इस वक्त ये। तो संदीप, मार्केट का मूड माल तो ठीक है अभी, तो बिल्कुल ठीक है और 12,000 के आसपास जब हमने शो की शुरुआत करी थी तब वहां पे था और 12,025 के आसपास के लेवल्स अब आप देखिए मार्केट्स पे देखने खुल रहे हैं। इनफैक्ट एक्शन तो सुबह भी बहुत था, जो याद है जब मार्केट सुबह खुल रहे थे तब आपने कहा था कि शॉर्ट्स काट लेने चाहिए, शॉर्ट काट लेने चाहिए। हाँ, वो बात, इतना गैप मिला नीचे शॉर्ट का, और सुबह हम यही बात कर रहे थे कि इज इट बिगिनिंग ऑफ द एंड, जो बुरे खबरों के अंत होने की शुरुआत है अगर, और वहाँ से आप देखिए ऊपर आए भी हैं। तो अब तक का जो रिएक्शन है मार्केट का वो एकदम सधा हुआ है, शुरुआत में हम थोड़े से फिसले उसके बाद रिकवर हुए, फिर ऊपर प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। तो आज इसीलिए हम जब सुबह कमेंट्री कर रहे थे पहली चीज़ ये लिखी कि पोजीशन हल्की रखें वोलेटिलिटी बढ़ेगी, ये आज का पहला सेंटेंस ही था और एग्जैक्टली बाजार वैसे ही करते हुए दिख रहा है। तो दोनों ही तरफ पोजीशन हल्की रखें तो बेहतर है आपके लिए। मुझे लगता है अभी भी वोलेटिलिटी खत्म नहीं हुई है, अभी भी चीज़ें पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, अब ये जरूर हो सकता है कि आप ये मानकर चलें कि नेगेटिव साइड पे ज़्यादा आएगी या पॉजिटिव साइड पर, वो आपका कंफर्ट लेवल है, लेकिन खबरें आना बंद हो जाएगी ये मानना जल्दबाजी होगी। और कम से कम जब आपको ये पता है कि आज शाम को ट्रंप साहब ट्वीट करने वाले हैं ठीक है, तो वो ट्वीट किसी के भी फेवर में हो सकता है, तेजी करने वालों के भी और मंदी करने वालों के भी। तो उस ट्वीट के लिहाज से आपको अभी भी हल्का रहना है, या फिर अगर आप अंदाजा लगा पाएं उनके मूड का और सोच लें कि ऐसा ट्वीट करेंगे फिर तो आपकी मर्जी। नहीं, आप शायद सही अंदाजा लगा पाए सुबह नहीं ट्रंप साहब का। हाँ, ना केवल सुबह से ही, कल शाम से ही, कल दोपहर से, बल्कि वो अलग चीज थी, अब लगाना मुश्किल काम नहीं है। वो ठीक है, आप आगे क्या होगा मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो हुआ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मुझे याद है कल 3:20 पे आपने पुट खरीदने की बात, पुट खरीदने की बात आपने कहा था, 12,000 की पुट ले लीजिए, 12,000 और नितिन जी हमारे साथ थे, नितिन जी ने 12,050 करवा दिया था, 50 का था, और आप कह रहे थे कि 31,200 का पुट ले लीजिए निफ्टी बैंक के ऊपर। मैं लेवल बताता हूँ आपको, 12,065 पे उस समय निफ्टी था और 31,430 पे निफ्टी बैंक था। आज का जो लो बनाया हमने सुबह 11,929 का था, तो उस समय आपने कहा था शॉर्ट काट लीजिए, लेकिन ध्यान ये देना है कि 12,065 पे जिसने शॉर्ट किया है या जिसने पुट भी लिया है उसको 11,929 तक का मूव, बिल्कुल 80-85 रुपए का टारगेट रखा था उस पुट के लिए, 40 रुपए का पुट, 20 का स्टॉप लॉस था, वहाँ पैसे बन गए होंगे। और दूसरा ये कि जिन्होंने पुट बैंक निफ्टी का खरीदा वो भी 31,900 के आसपास, माफ कीजिएगा 30,900 तक पहुंचा है बैंक निफ्टी, तो पैसे तो बन ही गए हैं बिल्कुल। क्योंकि आप देखो ना कितना 400 बंद हुआ था, 500 पॉइंट तो नीचे हुए ही है ना, 500 पॉइंट में तो नहीं पैसे बनेंगे तो कब बनेंगे, 130 पॉइंट निफ्टी में और 430 पॉइंट निफ्टी बैंक में। आइए आपको सुना देते हैं कल क्या बात हुई थी और आज सुबह क्या बातचीत हुई थी। 1% नीचे निफ्टी खुलता हुआ दिखा है, 12,000 के ऊपर निफ्टी अब निकले तो आप अपनी शॉर्ट वापस से काट लीजिए ठीक है, सिंपल फॉर्मूला। पहला है बैंक निफ्टी 31,000 के आसपास ही खुल रहा है, यहाँ पर हम शॉर्ट नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है 31,000 के आसपास थोड़ी शॉर्ट काटने का आप सोच सकते हैं या थोड़ा वेट एंड वॉच करें। 150 से 200 पॉइंट रिकवर हो सकता है अगर ठीक ठाक रहा मामला, तो खुलते ही शॉर्ट काट लीजिए क्योंकि बाजार ऊपर आने की तैयारी में है और वो तैयारी होती हुई दिख रही है। 12,000 के पार निकलता हुआ निफ्टी और 31,150 31,200 का लेवल हमने बैंक निफ्टी के लिए दिया था वो आता हुआ दिख भी रहा है। 31,150 के पार निकलता हुआ बैंक निफ्टी, फ्रेश शॉर्ट नहीं करना है, अगर आपने काटी है तो एंजॉय कीजिए लाइफ। जिन्होंने शॉर्ट काट लिए है वो तो सही में अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि मार्केट्स आप देखिए लो बनाया था 11,929 का, 12,000 के पार के लेवल आप देखिए निफ्टी में फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। अब आगे मार्केट की चाल कैसी रहेगी इस पर निर्भर करेगा कि किस तरह के इवेंट्स आगे लाइंड अप हैं आज कल और परसों के लिए। पूरी लिस्ट है मानसी के पास, लेकिन उससे पहले
एक बार जरा चार्ट कॉर्नर का बिल्कुल बताना होगा, क्योंकि राकेश जी और कुणाल जी रेडी कॉल के साथ। सर गुड आफ्टरनून, बताइए। संदीप जी, खरीदारी की राय है जीएमआर में, जिसमें एक तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आया है और ये स्टॉक 28 रुपए के लेवल्स दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। बड़ा वॉल्यूम एडिशन पिछले 3 सत्रों में हुआ है, तो मौजूदा स्तरों पर जीएमआर को खरीदारी की राय है। ओवर टू राकेश। देखिए संदीप जी, 5 साल की रेंज से ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक के अंदर और एक मेजर लेवल स्टॉक तोड़ रहा है। यहाँ पर खरीदने की राय है, 23 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 28 रुपए से लेकर 28 रुपए 50 पैसे के जोन के लिए जीएमआर इंफ्रा को खरीदने की राय है। ओके, ठीक है, चलिए अब चलते हैं मानसी के पास और जानते हैं आज, कल और परसों के लिए कौन से अहम इवेंट्स हैं जिसके ऊपर बाजार की नजर है। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून संदीप, आज और आने वाले 2 दिनों में काफ़ी सारे इवेंट्स हैं। सबसे पहले आज, जैसे कि अभी ही हम डिस्कस कर रहे थे, सबसे बड़ा इवेंट आज के लिए डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आने वाला है वही है। ईरान की जवाबी कार्यवाही के बाद डोनाल्ड ट्रंप आज शाम या देर रात जो उनका बयान है वो आता हुआ हमारे लिए भारतीय समय अनुसार आता हुआ दिखेगा। आज शाम या देर रात के लिए काफ़ी बड़ा इवेंट है। इसके अलावा ब्रोकर फोरम की सेबी से मुलाकात, मार्जिन सर्कुलर पर चर्चा होने की संभावना है। ब्रोकर फोरम सेबी के सामने अपनी चिंताएं रखने जा रहे हैं, इस खबर पर नजर रहेगी। साथ ही मॉइल के बायबैक का आज आखिरी दिन है, आज ये बायबैक बंद होने जा रहा है। शाम को मंत्रिपरिषद की एक बैठक होने जा रही है और इस बैठक पर नजर रखनी होगी। लेकिन कल गुरुवार का दिन है, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी। इसके साथ ही नतीजों के सीजन की शुरुआत हो चुकी है, इमामी पेपर के नतीजे कल आते हुए दिखेंगे, राइट्स एक्स डिविडेंड कल ट्रेड करेगा और साथ ही एस्टर डीएम हेल्थ केयर इस कंपनी की एक बोर्ड बैठक होने जा रही है जहां पर कंपनी बायबैक पर सोच विचार करेगी। इसी के साथ टेलीकॉम कंपनियों के लिए कल का दिन अहम होगा क्योंकि टेलीकॉम कंपनी की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। एजीआर मामले पर कल यह सुनवाई होती हुई दिखेगी और शुक्रवार के दिन एक तो इंफोसिस के नतीजे आएंगे, इसके अलावा टाटा मिस्त्री मामले में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार के दिन ही सुनवाई होने जा रही है। साथ ही इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन है, नवंबर आईआईपी के आंकड़े इसी दिन आते हुए हम देखेंगे। येस बैंक और इमामी रियल्टी दोनों ही कंपनियों की बोर्ड बैठक होने जा रही है जहां पर दोनों ही कंपनियां पूंजी जुटाने को लेकर सोच विचार करेगी। तो मानसी, आप ये कह रहे हैं कि ये आज जो कैबिनेट की बैठक सुबह होगी, इसके अलावा भी कोई शाम को बैठक है? जी, शाम को एक मंत्रिपरिषद की बैठक होने जा रही है। कैबिनेट की बैठक हो चुकी है, अब शाम देर शाम करीब 5:30 बजे। और उसका कोई एजेंडा अंदाजा लगाया अभी तक? नहीं, वो ढूंढने की कोशिश की लेकिन एजेंडा फिलहाल हमारे सामने नहीं आया। खोज जारी है जी। ठीक है, खोज जारी है। शाम को भी एक और बैठक है, देखते हैं उस बैठक में क्या कुछ होता है, ये जानना इंटरेस्टिंग होगा। ओके, इस बीच खबरों वाले शेयर ये बताने के लिए देवांशी तैयार है। बाजार खुलने के बाद किन शेयरों में आई है आज खबरें, वो जान लेना, समझ लेना आपको जरूरी है। देवांशी बताइए। बिल्कुल, आप सबसे पहले आप देखिए रामको सिस्टम्स, इसके लिए अच्छी खबर है जहां पे ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी से कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है और इसके चलते आज फोकस में था। साथ ही अदानी एंटरप्राइज, इसके लिए नेगेटिव खबर है जहां पे अदानी एंटरप्राइज को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगता हुआ दिखा है। कोयले आयात में जो ओवर इन्वॉइसिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से उनको झटका लगा है, पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने इनको काफी ज्यादा रिलीफ दे दी थी, ये जो कोल इम्पोर्ट का मामला था ओवर इन्वॉइसिंग का, उसमें रिलीफ आती हुई दिखी थी, लेकिन अब फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस पर कार्रवाई शुरू करें और इसी के चलते आज फोकस में है। एमएमटीसी नीलांचल इस्पात में सरकार पूरी हिस्सेदारी बेचेगी, एक्सक्लूसिव है और इसके चलते आप देखिए आज फिर से एक बार इस स्टॉक पर एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। एलएनटी फाइनेंस सब्सिडियरी सिंगापुर में एजीएनपी को कंपनी करीब 520 करोड़ का लोन देती हुई दिखेगी, भारत में गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये लोन देती हुई दिखेगी। सिप्ला, इसके लिए अच्छी खबर आती हुई दिखी है जहां पे पाताल गंगा प्लांट के रेजोल्यूशन प्लान को यूएसएफडीए ने मंजूरी दे दी है, इनको 4 ऑब्जर्वेशन मिले थे और वॉलंटरी एक्शन इनिशिएट किया था, अब उसके रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी मिल चुकी है। यूएस को एक्सपोर्ट करती है प्लांट, इसलिए भी काफी ज्यादा अहम है। गायत्री प्रोजेक्ट्स, अब देखिए काफी ज्यादा डिफॉल्ट्स की खबरें भी आते हुए दिखी थी, तो अब मौजूदा तिमाही में लोन अकाउंट रेगुलर करने का लक्ष्य है। 900 करोड़ के आर्बिट्रेशन को मोनिटाइज करने की प्रक्रिया कंपनी की तरफ से जारी है और इसके चलते आज ये स्टॉक फोकस में है। मारुति सुजुकी, इसके प्रोडक्शन के नंबर्स आए, दिसंबर में उत्पादन 1 लाख से बढ़कर 1.15 लाख यूनिट पर आते हुए दिखे, यानी कि 8% तक की बढ़त उत्पादन में होती हुई दिखी है सालाना आधार पर। बैंक ऑफ बड़ौदा बॉन्ड के जरिए 200 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी मिल चुकी है बोर्ड की तरफ से और अजंता फार्मा प्रमोटर ने गिरवी रखे शेयर्स छुड़वाए हैं, करीब 11.5 लाख शेयर्स गिरवी रखे थे वो छुड़वा दिए हैं। बड़े सौदों में फोर्टिस हेल्थ केयर और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये दोनों पर नजर रहेगी। एयू स्मॉल में 14 लाख शेयरों के सौदे हुए हैं करीब 800 रुपए प्रति शेयर के भाव पर और फोर्टिस हेल्थ केयर में 54 लाख शेयरों के 2 सौदे होते हुए दिखे 133 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर।
ओके, तो ढेर सारा एक्शन है जहाँ पे खबरें आई हैं स्टॉक्स में, और वहाँ पे आप देखिए एक्शन देखने को मिल भी रहा है। उसमें एक स्टॉक था मारुति, जिसकी बात अभी देवांशी कर भी रही थी, वो बता रही थी कि प्रोडक्शन के आंकड़े आए हैं। दो दिन पहले हमने M&M के आंकड़े देखे तो वो बढ़कर आए थे, और आज जो मारुति के आंकड़े आए हैं उसमें भी करीब 8% के आसपास का इजाफा होता हुआ दिखा है, लेकिन स्टॉक में कोई ज़्यादा एक्शन देखने को मिल नहीं रहा है। एक बार किरण जादव साहब हमारे साथ शामिल हो चुके हैं, सर स्वागत है आपका, गुड आफ्टरनून। एक बार मारुति के चार्ट देखिए सर, क्या कोई वीकनेस के इंडिकेशंस हैं? वीकनेस के इंडिकेशन बिल्कुल देखने को मिल रहा है चार्ट पे, और 7300 वो लेवल थी जहाँ जिसके नीचे मैं हमेशा कह रहा था कि इसके नीचे तेजी, इस 7300 के ऊपर सॉरी 7300 के नीचे मंदी, 7300 के ऊपर तेजी। तो जिस तरीके से अभी हम 300 पॉइंट लगभग आ चुके हैं, 7000 एक साइकोलॉजिकल और टेक्निकल लेवल भी है, डेरिवेटिव डेटा भी साथ दे रहा है, तो मेरा मानना है कि फ्रेश ट्रेड नहीं बनता, पर अगर आज के लोज वायलेट होते हैं तो फिर वापस एक बार एक बिकवाली देखने को मिल सकती है, और 6880 के करीब हम जाते हुए देखेंगे। ओके, ठीक है, लेकिन इस बीच आप देखिए एक स्टॉक का जो कि आज बहुत एक्टिव है वो है भारतीय एयरटेल का, डे हाई के आसपास इसमें कारोबार होता हुआ दिखा है, 2% ऊपर है। अच्छी बात यह है कि इसमें ओपन इंटरेस्ट में अच्छा खासा इजाफा होता हुआ दिखा है, 8% के आसपास ओपन इंटरेस्ट बना है इस स्टॉक में। वागले साहब एक बार आइडिया भी, हाँ आइडिया भी बिल्कुल, यहाँ पे भी एक्शन काफी ज्यादा है। तो वागले साहब ये इसमें ये जो अभी मानसी बोल के गए ना, इससे रिलेटेड है ये मामला कि टेलीकॉम कंपनियों की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, ठीक है, जो उन्होंने कहा था कि AGR वाले मामले में, हाँ तो रिव्यू पिटीशन है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट रिव्यू के लिए तैयार होता है? अगर रिव्यू के लिए तैयार भी हो जाएगा तो ये शेयर भाग जाएंगे बिल्कुल, कि चलिए इनकी इन्हें राहत मिलने की उम्मीद में, मिलेगी नहीं मिलेगी अलग बात है, मिलने की उम्मीद में, और आज मुझे लगता है इसी उम्मीद में ये शेयर चल रहे हैं जब से ये खबर आई है, हाँ कि कल रिव्यू पिटीशन की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है AGR वाले मामले पर, इसलिए ये शेयर चलते हुए दिख रहे हैं। एक तो ये हो गया, दूसरी एक खबर और चल रही है बाजार में, मुझे नहीं पता वो सही है कि गलत है, वो भारतीय एयरटेल के QIP को लेकर है कि भारतीय एयरटेल का आजकल में QIP आ सकता है, बड़ा मोटा QIP, क्योंकि हाल ही में आपको याद है 21,500 करोड़ जुटाने की मंजूरी दी थी इनके बोर्ड ने कि आप QIP के जरिए पैसे जुटा सकते हैं, तो ये जो पैसे जुटाने वाले हैं वो जल्द आने की तैयारी में, ये ऐसा हो सकता है, अब है कि नहीं, होगा नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता, पक्की बात नहीं, लेकिन ऐसी खबरें चल रही है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जो कल AGR वाले मामले की सुनवाई वो तो पक्की है ही, हाँ उसी का इम्पैक्ट हम देखें कि स्टॉक्स में देखने को, लाइक उम्मीद है कि शायद कुछ राहत आ जाएगी सुप्रीम कोर्ट की ओर से, कि इनफैक्ट ये सुनना शुरू कर देंगे जो ये रिव्यू पिटीशन की इन्होंने बात करी थी। तो वागले साहब, भारतीय एयरटेल या वोडाफोन, दोनों में से क्या पसंद है आपको? संदीप, मैं चूज करूंगा भारतीय एयरटेल 453-454 के करंट भाव से, लेकिन ये अगर आज की बात करें तो 462-463 तक ही जाएगा, 465 के ऊपर इसमें एक बड़ी वाली मूव आ सकती है, मैं 480 तक की बात करूंगा, और अगर ये अनिल जी जो बोल रहे थे न्यूज अगर आ गई तो 480 तक भी जा सकता है एक से दो दिनों में, आपका 447 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, ये राय है। इस बीच आप देखिए जो कैबिनेट की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो बड़े फैसले हुए हैं उसमें आप देखिए कोयले की जो नीलामी है वो शायद मार्च तक शुरू करती हुई दिखेगी सरकार फिर से, और सभी सेक्टर्स ये जो नीलामी होगी उसमें हिस्सा ले पाएंगे, तो ये एक बड़ी खबर है जो कि फिलहाल आपके सामने आती हुई दिखी है, और निजी कंपनियां भी इनफैक्ट इसमें हिस्सा ले सकती हैं। शायद यही कारण है कि आप देखिए जो JSPL जैसे जो स्टॉक्स हैं जिनके कुछ कोयले की जो माइंस हैं वो मामले फंसे हुए हैं, और आप देखिए अगर आप इसका इंटरडे चार्ट दिखा पाएं JSPL का, उसमें एक बढ़त देखने को मिली जब से ये फैसला आया कैबिनेट की ओर से, उसका इम्पैक्ट आप देखिए क्योंकि निजी कंपनियां भी शामिल हो पाएंगी। आप देखिए पिछले कुछ मिनटों में काफ़ी अच्छा उछाल स्टॉक में बनता हुआ दिखा है। कोल इंडिया भी एक बार दिखाइए, क्योंकि पूरा जो कोयले को लेकर जितने भी नियम बदल रहे हैं उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कोल इंडिया पर भी देखने को मिलेगा। आप देखिए एकाएक इसमें एक गिरावट देखने को मिली है, 2.5% अब ये स्टॉक नीचे जाता हुआ दिखा है। राकेश जी एक बार कोल इंडिया देखिए, इसके कोई लेवल्स इंपॉर्टेंट जो आपको समझ आ रहे हो, जो ये तोड़ने वाला हो? हाल फिलहाल तो बहुत अच्छा चला ये। देखिए संदीप जी, आपने राइटली मेंशन करा, एक तो ना सिर्फ स्टॉक में गिरावट है, एक नेगेटिव क्रॉसओवर भी देखने को मिल रहा है, और 203 का एक लेवल इस स्टॉक ने तोड़ा है, और अब नेक्स्ट एक बड़ा सपोर्ट 195 के अराउंड आता है, तो यहाँ पर स्टॉक जो है फर्दर नीचे स्लाइड की संभावना लगती है, और 195-196 तक स्टॉक नीचे में गिरने का पोटेंशियल रखता है। ओके ठीक है, 196-195 तक की स्टॉक फिसल सकता है, ये राय फिलहाल इस स्टॉक को लेकर सामने आ रही है। किरण जी जरा एक बार L&T फाइनेंस के चार्ट देखिए, अच्छा खासा 8% के आसपास को ओपन इंटरेस्ट बना है, और डे हाई के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे कुछ मजबूती के इंडिकेशन है, लॉन्ग पोजिशन बनाई जा सकती है?
मजबूती इंडिकेशन बिल्कुल है, एक अच्छे बेस से निकल रहा है। 113 114 एक बहुत अच्छा बेस था, उधर से एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला, पर अभी बाय करने की सलाह नहीं है। जिनके पास है उनके लिए 111 का स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह है। मैं राह देखूंगा 121 निकलने के लिए, जिसके दो कारण है। एक तो मल्टीपल टॉप्स है, तीन चार बार ये टॉप्स टेस्ट हो चुके सॉरी, और दूसरे इंपॉर्टेंट चीज है कि 120 में एक ग्रीन वॉल जिसको हम कहते हैं कॉल राइटर्स की, वो करीबन 15,50,000 के देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक बार ये दो हर्डल्स निकल जाए तो फिर स्टॉक को मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा रुकना चाहिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए। एक बार ये निकल जाए तो 127-130 के लेवल्स टेस्ट होते नजर आएंगे, तो ये ब्रेकआउट के बाद ही फ्रेश बाइंग करने की सलाह है। ठीक है, 121 का लेवल पार होने दीजिए, उसके बाद ही एलएनटी फाइनेंस में कोई पोजीशन आप बनाए। नया ब्रेकआउट होगा, लेकिन ब्रेकआउट एक स्टॉक में ऑलरेडी हो चुका है, वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। 986 के आसपास ये स्टॉक है, 1.5% ऊपर है और 3% आप देखिए इसमें ओपन इंटरेस्ट में कमी होती हुई देखिए। तो शायद कुछ शॉर्ट कवरिंग हो रही है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कल हमें राकेश जी और कुणाल जी ने चार्ट कॉर्नर में ये स्टॉक बताया था 1010-1023 ये टारगेट्स हो जाए गए थे। कुणाल जी मैं सही कह रहा हूँ, इन्हीं टारगेट्स के लिए बने रहे, स्टॉप लॉस रिवाइज करना है? देखिए बिल्कुल बने रहना चाहिए संदीप जी, हालांकि मेरे ख्याल कल की कमजोरी में हमारा स्टॉप लॉस इसमें हिट हुआ होगा, लेकिन आज इसमें फिर एक ब्रेकआउट है और बिल्कुल इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। 1020-1025 के लेवल्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे, मौजूदा स्तरों पर नई खरीद करें और स्टॉप लॉस 970 रुपये पर रख लें। ओके ठीक है राकेश जी, एक बार जरा ये आयशर मोटर्स देखिए, इसमें हम कई दिनों से बातचीत कर ही रहे हैं कि कुछ वीकनेस बनती हुई दिख रही है, क्या कुछ अहम सपोर्ट लेवल्स भी स्टॉक तोड़ता हुआ दिख रहा है? देखिए संदीप जी, एक अहम लेवल इस स्टॉक ने 20,850 का एक अहम लेवल तोड़ा है और वो लेवल कल के सत्र में टूटा था और क्लोजिंग के समय ऑलमोस्ट वहाँ पे क्लोजिंग आई थी और उसके बाद आज एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है। बट इन स्तरों पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं है शॉर्टिंग करने के लिए, तो यहाँ बिकवाली की राय नहीं है, बट एक अहम लेवल 20,850 का यहाँ टूट चुका है। 20,850 ओके, ये है आयशर मोटर। अच्छा सुबह एक बड़ा स्टॉक आपने कौन सा रिकमेंड किया था, 20-25 हज़ार वाला? अच्छा वो तो श्री सीमेंट था। ओके, श्री सीमेंट में खरीदारी करने की राय दी थी कुणाल जी राकेश जी ने। सीमेंट शेयर आज सुबह से बेहद मजबूत ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, तो ये एक और स्पेस है जहाँ पर अच्छी मजबूती दिखी है। मजबूती से याद आया, आज स्टॉक्स जो रिकमेंड किए गए थे जी बिजनेस पर, सारे बेहद मजबूती के साथ कारोबार अब भी करते हुए दिख रहे हैं। वेल्सपन एंटरप्राइजेस 13% मजबूत है, लगभग 20% ऊपर, आज का हाई 100.20 रुपये का है और वो हाई बनाने के बाद अब भी 13% मजबूत वेल्सपन एंटरप्राइजेस ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा आज आपने कौन सा स्टॉक रिकमेंड किया था? जुबिलेंट लाइफ। ओके, ये सस्ते आपके बजट में सस्ता शेयर। ओके, तो आपके बजट में सस्ता शेयर जुबिलेंट लाइफ, देखिए स्टॉक अभी भी बड़ा मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, 6-7% तक उछाल दिखाने के बाद। अंबर एंटरप्राइजेस एक और स्टॉक है जिस पर आपको फोकस करना है, और अंबर एंटरप्राइजेस भी आप बजट माय पिक में सिद्धार्थ सिद्धानी साहब ने दिया था 1.5% के आसपास की मजबूती इस स्टॉक में देखने को मिली। इनफैक्ट ये एक समय तो 5% के आसपास की तेजी भी दिखा रहा था मार्केट में, जिस तरह से हमने ऊपर में स्विंग आता हुआ देखा, उसके साथ साथ स्टॉक्स हल्के हुए, लेकिन फिर भी देखिए बाजार कमजोर है, इन स्टॉक्स में हरे निशान के साथ कारोबार होता हुआ दिखा है। एक बार किरण जी अंबर एंटरप्राइजेस। हाँ अच्छा किरण जी से ले लो, किरण जी के बाद मेरे को एक और काम करना है, पहले किरण जी से अंबर एंटरप्राइजेस पूछ लो। ठीक है किरण जी, बताइए अंबर एंटरप्राइजेस के चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं आपको? संदीप जी, ये मेरा 10 की कमाई वाला काउंटर है, मेरा मानना है कि ये काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है। मेरे टारगेट्स पहले 1300 के देखने को मिल जाने चाहिए, ऐसे मेरा उसी डायरेक्शन में ये स्टॉक चलते नजर आ रहा है। आपका अभी स्टॉप लॉस रखना चाहिए करीबन 1150 का, 1187 पे ट्रेड कर रहा है और टारगेट्स पहले 1300 और उसके बाद करीबन 1450 के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए। 1300 पे एक बार रिव्यू लेना बहुत जरूरी होगा इस काउंटर पे। ओके, लेकिन अंबर एंटरप्राइजेस सुबह जिनकी रिकमेंडेशन पर ये स्टॉक भागा है, और वो भी देख लीजिए क्यों उनकी रिकमेंडेशन, देखिए जहाँ से भागा वो देख लीजिए, जहाँ रिकमेंड हुआ वहाँ से एकदम रॉकेट हो गया, और ये रिकमेंड किया था सिद्धार्थ जी ने, और वही वाले सिद्धार्थ जी जिन्होंने सुबह रिकमेंड किया था वो हमारे साथ आ चुके हैं इस वक्त। सिद्धार्थ जी स्वागत है आपका। देखिए आपने सुबह तो रिकमेंड कर दिया, आपकी हमने क्लिपिंग चला दी थी और आपकी क्लिपिंग चलने में शेयर भाग गया, अब आप जब लाइव हमारे साथ हैं तो एक बार फिर से बता दीजिए पसंद क्यों है आपको ये शेयर।
गुड आफ्टरनून अनिल जी, संदीप जी. गुड आफ्टरनून. सबसे बड़ी चीज अनिल जी, इसका एक ही आंसर है, इसका एक ही जवाब है, और वो है मॉडर्न कंजम्पशन. जब हम मॉडर्न कंजम्पशन की बात करते हैं तो साबुन, डिटर्जेंट इत्यादि की बात नहीं करते हैं. अब मॉडर्न कंजम्पशन हो गया एयर कंडीशनर, मोबाइल, टेलीविजन. और अंबर एंटरप्राइजेस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है एयर कंडीशनर का, बड़ी से बड़ी ब्रांड, चाहे वोल्टास हो, सैमसंग हो, एलजी हो, ब्लू स्टार हो, वो अपने एयर कंडीशनर इनसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं. जबरदस्त ग्रोथ, मार्केट शेयर 50% का. और मैं मानता हूं कि ये सब जो आज भी जो पेनिट्रेशन है भारत में एयर कंडीशनर की, वो हार्डली 10-12% का है. बहुत बड़ा ग्रोथ आ सकता है यहाँ पे. अंबर एंटरप्राइजेस मिड कैप श्रेणी में बहुत बेहतरीन कंपनी और बिजनेस मॉडल लाजवाब. ओके, ठीक है, ये है अंबर एंटरप्राइजेस को लेके आपके लिए राय. लेकिन इस बीच आप देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक एक बड़ी ब्लॉक डील इस स्टॉक में होती हुई दिखी है. इनफैक्ट पहले 60 लाख के सौदे थे, अब आप देखिए 90 लाख से ज्यादा शेयरों के सौदे इस स्टॉक में होते हुए दिखे हैं. 1648 से 1651 ये वो रेंज है. 0.5% के आसपास की इक्विटी बदलती हुई दिखी कोटक महिंद्रा बैंक. 1500 करोड़ रुपए के आसपास की डील होगी ये, है ना, बड़ी डील है ये तो. कितने करोड़ शेयर बदले हैं? 90 लाख, 1 करोड़ के आसपास. 1 करोड़ के आसपास, हाँ, तो 1600 का भाव है. 1500-1600 करोड़ की डील हो गई, तो बड़ी डील. 90 लाख से 1 करोड़ के आसपास के कई सारे ट्रेड होते हुए दिखे, 1.5 करोड़ के आसपास की ये है डील. चलिए, तो ये होती हुई दिख रही है इस वक्त. आइए अब एक और बिगुल, और वो है वागले साहब के लिए. बताएं सर. अनिल जी, एक कैश का स्टॉक है, क्लियर कट ब्रेकआउट है, स्टॉक है एयू स्मॉल फाइनेंस. 848-41 के भाव से बाय करिए. मेरा 828 का स्टॉप लॉस होगा, 828 का, और ये 2 से 3 हफ्तों का मेरा 870-875 का टारगेट होगा. 2-3 हफ्तों का? हाँ वागल साहब. अनिल जी, 8-10%, 50, हाँ जी, हाँ जी, 2-3 हफ्तों का ही मेरा एक 30-40 रुपए का अपसाइड टारगेट होगा. ओके, तो पोजिशनल कॉल है यू स्मॉल फाइनेंस बैंक. 828 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदिए, 870-875 के आसपास के टारगेट के लिए. ये है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक जहाँ पर तेजी करने की राय है. स्टॉक बेहद मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है. जी हाँ, 5-5.5%, अच्छा, कमजोर बाजार में भी बेहद मजबूत है. फंडामेंटली आप इस पर कोई राय रखते हैं सिद्धार्थ जी? जी नहीं अनिल जी, बट बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है. और एक चीज, राजस्थान में बहुत अच्छा बिजनेस है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, बट हमारी इस पे कोई सलाह नहीं है. ओके, ठीक है. लेकिन इस बीच स्ट्रेटजी रेडी है सर? एकदम रेडी है. तो बिगुल बजाया जाए स्ट्रेटजी के लिए. जल्दी से एक बार ग्लोबल मार्केट देख लेते, किस तरह का एक्शन वहां पे देखने को मिला है. डाउ फ्यूचर्स देखिए, जब सुबह हम बात कर रहे थे तो 400 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी, अब है 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट आपको नजर आएगी. तो ऊपरी स्तरों से जो निचले स्तरों से इनफैक्ट रिकवरी काफी अच्छी यहाँ पे देखने को मिली है. 0.5% तक की कमजोरी आप देखिए यूरोपियन मार्केट्स में देखने को मिल रही है. और एशियन मार्केट्स कैसे बंद हुए हैं एक बार जरा उसका भी जायजा ले लेते हैं. वहाँ पे किस तरह का एक्शन है, 2.5% नीचे था एक समय निकली, आप देखिए 1.5% नीचे बंद हुआ. हैंगसेंग में भी रिकवरी काफी अच्छी थी और 234 पॉइंट की गिरावट के साथ ये बंद हुआ. 1% शंघाई भी नीचे बंद होता हुआ दिखा है. तो 2-2.5% के आसपास जो गिरावट थी वो कम होकर मार्केट्स रिकवर होकर बंद हुए. और ब्रेंट क्रूड आप देखिए, जो कि एक समय $70 के पार भी चला गया था, अब 68.50 के आसपास आपको नजर आएगा. और हमारी करेंसी रुपया जो कि काफ़ी वीक थी, आज हम सुबह काफ़ी कमजोर खुले थे, अब काफ़ी शानदार रिकवरी देखने को मिली. महज 5 पैसे के आसपास की कमजोरी रह गई है, 71.88 के आसपास के लेवल हैं. 72 का लेवल भी आज हमने पार किया था. तो क्रूड हल्का हुआ है, उसके साथ साथ मार्केट रिकवर हुए और रुपये में करेंसी में भी आज हमने रिकवरी देखने की है. यस, पहले क्या? पहले निफ्टी बैंक. ओके, निफ्टी बैंक 31,200 आज का निफ्टी बैंक का निर्णायक लेवल था. आप ट्रेड करें 31,250, अभी 31,265-70 हुआ है, ठीक है. पॉइंट नंबर वन, संदीप देखिए, एक चीज साफ दिख रही हुई है कि निचले स्तर पर आपको शॉर्ट काटना है, और 31,200 के ऊपर आप टिकते हैं तो आप तेजी के रुझान में. वैसे एक चीज बता दूं, बैंक निफ्टी के लिए एक रेंज बहुत साफ दिख रही है, और वो रेंज नीचे की तरफ 31,000 बेहद मजबूत सपोर्ट है,
16 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट में है। ऊपरी स्तर पर 31,501 रुकावट का लेवल है, जहां पर पुट में 8 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 12 लाख शेयर हैं। ठीक है, तो 31,500 के आसपास अगर आप पहुंचेंगे तो थोड़े जो पुट राइटर्स हैं जिन्होंने तेजी की पोजीशन बना रखी और जिन्होंने 600 पॉइंट नीचे भी देखा है, वो अपनी पोजीशन हल्की करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप एकदम सेफ रहना चाहते हैं और फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो 31,500 के ऊपर की बनती है, बाकी 31,000 के आसपास 31,200 आप ले सकते हैं। लेकिन चूंकि दिक्कत ये है कि आप बीचों बीच में हैं, तो मेरा ये कहना होगा कि आप सिर्फ शॉर्ट काटें, फ्रेश खरीदारी करना थोड़ा सा रिस्की है। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर दिख रही है ग्लोबल मार्केट्स के माहौल को देखकर, करेंसी जिस तरह से रिकवर हुई है, कच्चा तेल जिस तरह से ऊपर से नीचे आया है, ग्लोबल मार्केट्स नीचे से ऊपर आए, अगर ट्रंप साहब के ट्वीट से कोई समस्या ना हो आज रात को, तो कल आप गैप से ऊपर खुल सकते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, मैं इन शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर रहा हूँ। अगर ट्रंप साहब का ट्वीट थोड़ा भी अच्छा आ गया या खराब ना आए, तब भी आप ऊपर खुलेंगे, क्योंकि बाकी सारे संकेत आपके पास ये हैं जिनसे कि आपको मंदी नहीं करनी है। ठीक है, ये बहुत क्लियर है। और अगर 12,000 के ऊपर टिके रहते हैं, वो मैं बाद में आता हूँ, पहले बैंक निफ्टी को कंप्लीट कर लूँ। तो बैंक निफ्टी मेरे लिए 31,000 के आसपास बाय है, 31,500 के आसपास थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है, लेकिन शॉर्ट वहाँ पर भी नहीं करना है। तो मैं अब शॉर्ट करने के बजाय नीचे में खरीदने का सोच रहा हूँ। एक चीज़ और वो ये, चल कल चूंकि आपके लिए एक्सपायरी भी है हफ्ते की और ग्लोबल वॉलेटिलिटी भी, तो आप अगले एक घंटे में जो भी ट्रेड करेंगे निफ्टी या बैंक निफ्टी पर, वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन के जरिए होगा, सीधे फ्यूचर्स क्लियर कट नो, ना नहीं, सिर्फ ऑप्शंस, ओनली ऑप्शंस, सिंपल, आपको ऑप्शन ही लेना है बस। ये सिर्फ निफ्टी बैंक के लिए या निफ्टी के निफ्टी लिए के लिए भी रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए। तो पहली चीज ये कि अगर नीचे मिले तो निफ्टी में खरीदारी कीजिए, खरीदारी करने के लिए माफ कीजिएगा बैंक निफ्टी। अब लेवल नोट कर लीजिए, आप खरीदने के लिए परफेक्ट लेवल है 31,150, 31,200, इस रेंज में आपको बैंक निफ्टी खरीदना है। स्टॉप लॉस आपका 31,000 है, टारगेट 31,400, 31,500 मिनिमम है, उसके बाद और देखेंगे क्या करना है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं 31,150 से 31,200 की रेंज में खरीदें जी, और ये जो 31,200 पार हुआ है उसके बाद आप कह रहे हैं कि शॉर्ट काट लीजिए। हाँ। शॉर्ट तो करना ही नहीं है, भले अभी 31,500 भी अभी शॉर्ट नहीं करना, 31,500 के ऊपर जाने पर फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं। 31,500 के ऊपर टिकेगा तो फ्रेश खरीदारी, आज के लिए जो एक घंटा बचा है उसमें 31,400, 31,500 तक के टारगेट दो, सिर्फ ऑप्शंस, ओनली ऑप्शंस। नहीं, इंटरडे में आप फ्यूचर कर सकते हैं, फिर भी इंटरडे में हर्ज नहीं है, ओवरनाइट कर रहे हैं तो फिर ऑप्शंस ही करना, ओवरनाइट। ओवरनाइट ऑप्शन में फिर आपको पता है ना आपकी रिस्क कितनी, आप समझ गए, लिमिटेड है। हाँ, बस ये हो गया। अब बैंक निफ्टी आ जाए, निफ्टी माफ कीजिएगा निफ्टी, हाँ 12,000, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। 12,000 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है दोनों ही मंथली वीकली में, 70 लाख शेयरों का है, तो आप तुरंत प्रभाव से ये 12,000 पर अपनी शॉर्ट काट लीजिए, 12,000 अभी का भी तुरंत बैंक निफ्टी में। तो फिर भी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा नीचे मिले तो बेहतर, लेकिन निफ्टी तो बहुत ही बढ़िया लेवल है जहाँ आपको शॉर्ट काट लेनी चाहिए, फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। 12,050 का पहला टारगेट है, 12,100 का दूसरा टारगेट है, उसके लिए खरीदारी करनी है, यहाँ भी खरीदना है। 11,975 आए तो और खरीदिए, आज आपका स्टॉप लॉस 11,925 का होगा, संदीप जी लिख लीजिए 11,925 माफ स्टॉप लॉस है, 11,975 12,000 खरीदारी की रेंज है, 11,975 और 12,000 ये 25 पॉइंट की रेंज में लेना है, 12,050 12,100 आपका टारगेट ऊपर का है। ठीक है, 12,150 12,200 हाँ, ये फ्यूचर्स सिर्फ और सिर्फ आज के लिए ट्रेड कर रहे हैं आप तो लीजिए, और अगर आप ओवरनाइट पोजीशन रख रहे हैं तो यहाँ भी कॉल ऑप्शन खरीदिए, क्योंकि देखिए मुझे है ना ट्रंप साहब पे भरोसा नहीं है, कुछ भी बोल दे कुछ भी कर दे, एक दो बम ऊपर नीचे थोड़े बहुत और अमेरिका ईरान गिरा दे कर दे, तो ये रिस्क तो हमेशा रहेगी। बाकी फैक्टर्स आपको रिलीफ दे रहे हैं, US वगैरह फ्यूचर्स उतने ख़राब नहीं है, करेंसी ठीक हो रहा है, तो तेजी करना चाहें तो ये रखें। और मैं ये एक और चीज़ कहूँगा, अगर आप समझिए अभी 12,000 पर ले रहे हैं और 40-50 पॉइंट आपके आज ही बन जाते तो प्रॉफिट ले लीजिए, जितना आज बन जाए आज ही ले लीजिए, ओवरनाइट मत रखिएगा। ठीक है, तो आपको ओवरनाइट अगर करना भी है तो आप कॉल ऑप्शन लेके अपना कामकाज कीजिए, अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो आज ही के आज कोशिश करिए कि अगर मुनाफा मिलता है तो आप अपना मुनाफा बांध के लेके चलिए। अच्छा, एक मुश्किल सवाल पूछो, जितना मुश्किल पूछ सकते हो पूछो। ठीक है, तो फिर आप अंदाज लगाइए अब तक की जितनी गतिविधियां हुई हैं, जो आप आरोप प्रत्यारोप जितना भी आपने सुना है, चाहे ट्रंप साहब की ट्वीट आपने देखी, कितनी गुंजाइश है कि कुछ खराब आ जाएगा ट्रंप साहब की ट्वीट में? 50% मुश्किल सवाल का आसान जवाब ये तो ऐसे हाल है, आप मुझे पूछो अब से लेके क्लोजिंग तक मार्केट ऊपर जाने के चांस कितने हैं? 50% नहीं, लेकिन
देखिए संभावना ज़्यादा ये है कि ट्रंप साहब और बिगाड़े ना। देखिए ट्रंप साहब को जो हासिल करना था उन्होंने कर लिया, दादागिरी करके दिखा दी, बम बम उड़ा डाल के दिखा दिया, सब कर दिया, और उनको ये भी मालूम है कि ईरान ने जो बम डाले किए उन्हें उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ अगर उनको नुकसान हुआ होगा और वो अगर पेंटागन कह देता है, वहाँ का रक्षा मंत्रालय अगर ये कहता है कि वहाँ अमेरिकी सैनिक मरे हैं या अमेरिका को नुकसान, तब तो उन्हें फिर एक्शन लेना पड़ेगा। हाँ अभी तक पेंटागन ने नहीं कही है बात। हाँ तो अब इसमें दो तीन चीज़ें जो ध्यान में रखने वाली बात है कि क्या पेंटागन ये कहता है कि अमेरिका को नुकसान हुआ, बोले मरे होंगे 80 लोग इराक के मरे, हमें क्या, ठीक है ईरान कह रहा 80 लोग मरे, मरे होंगे, तो अगर अमेरिकन नहीं मरे तो अमेरिका को चिंता नहीं है, आप जितने बम फोड़ने फोड़ो, ठीक है तो वो जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसमें अमेरिका को नुकसान हुआ तो जवाबी कार्रवाई पक्का आएगी। देखिए एक चीज़ फाइनल है इस पूरे मामले में, आखिर में तो गोली है ना ट्रंप साहब ही चलाएंगे आप समझ रहे हो, वो बोले मैं जब चाहूँगा तभी शांति होगी, और वो कब, वो बोले लास्ट में करूँ, आप ये बोलोगे सेकंड मेरा नंबर है तो मेरी इनिंग भी आ जाए, मेरी बैटिंग भी आ जाए, उसके बाद मैच खत्म हो, वैसा नहीं होगा। मैच तो है ना दो बार बैटिंग ये लेंगे, एक बार किसी और को देंगे, वैसा होने वाला है। तो ट्रंप साहब जब तक है ना आखिर में वही फैसला करेंगे कि उन्हें क्या करना, तो इसलिए वो रिस्क अभी भी है ओवरनाइट। अच्छा इनके साथ ट्रंप साहब के साथ तो मुझे लगता है ना टेस्ट मैच में भी 5 दिन होते हैं, एक दिन में 90 ओवर होते हैं, इनके लिए तो खुले ओवर हैं और ये आउट भी नहीं होते हैं। हाँ हाँ ये तो ऐसे ही है भाई, ये तो अंपायर भी खुद ही है, प्लेयर भी खुद ही है, ये तो आपको खुद कह दे कि हाँ चलो मैं रन ले रहा हूँ तो आप स्ट्राइक पे आ जाइए, वो अंपायर को जब आप खुद ही अंपायर और खुद ही प्लेयर हो तो फिर आप जो चाहें डिसीजन देना है। तो इसलिए मुझे दिक्कत यही कि अगर अमेरिका को नुकसान होगा तो ट्रंप और कुछ ना कुछ करेंगे। अच्छा दूसरी चीज़ एक और है इसमें, एक रिस्क और है नेगेटिव साइड की भी बात करें तो, देखो पॉजिटिव साइड पर तो सब दिख रहा है कि कच्चा तेल ठंडा हो रहा है, करेंसी ठीक हो रही है, ग्लोबल मार्केट्स में अब वो पैनिक नहीं है, कमजोरी है, ये सारी अच्छी चीज़ें आपको दिख रही। खराब चीज़ें क्या हो सकती है, खराब चीज़ें ये हो सकती है कि ट्रंप साहब कोई ख़राब ट्वीट करें और कड़क ट्वीट करें कि आपने हिम्मत ही कैसे की आप अमेरिकन बेस पे 12-13 गोले दागे या 22 गोले दागे जो भी डाले हों, पॉइंट नंबर वन। दूसरा इस बात की क्या गारंटी कि ईरान वाले अब आगे और कुछ नहीं करेंगे, उन्हें भी तो झटका बड़ा लगा है, तो उनके लिए हो सकता है अभी भी ये प्रेशर होगा कि सिर्फ एक आक्रमण करने से बात नहीं बनेगी, हमें कुछ एक दो और करके दिखाने पड़ेंगे ताकि हमें ये लगे कि हम बड़ा सीरियस ले रहे हैं इस मैटर को, तो उस सीरियसनेस दिखाने के लिए एक दो और अटैक कहीं कर दे तो भी हमें, हम वो इस वक्त मान के नहीं चल रहे। तो मेरा ये समझ है कि अभी भी ये रिस्क आपकी रहेगी ही रहेगी, और इस रिस्क को देखते हुए मैं फिर कहूँगा वॉलेटिलिटी रहेगी, पोजिशन जितनी हल्की रखें उतनी बेहतर। चलिए ठीक है, ये राय फिलहाल आती हुई दिख रही है कि आप जितनी पोजिशन हल्की रखें और अगर आपको आज मुनाफा मिल जाता है तो आप उसे स्क्वायर ऑफ करके आज उसे बांधने की कोशिश करें, ये राय फिलहाल निकल के सामने आ रही है। लेकिन इस बीच एक मुनाफे की कॉल लेके राकेश जी और कुणाल जी रेडी हैं चार्ट कॉर्नर के बिल्कुल। ओके इस बीच एक चार्ट कॉर्नर से पहले एक मिनट चार्ट कॉर्नर से पहले एक इंटरेस्टिंग चीज आई वो बताना जरूरी है। पेटीएम के फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा साहब, उनका ये बयान है कि हमें यस बैंक की खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ओके यस बैंक स्टेक खरीदने के लिए उनकी दिलचस्पी नहीं है, ये पेटीएम की तरफ से बड़ा बयान आता हुआ दिखा, क्योंकि बीच में ये खबरें चल रही थी कि शायद पेटीएम इंटरेस्टेड है यहाँ पर स्टेक खरीद सकता है, लेकिन पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा साहब ने साफ कहा है यस बैंक। मैं आपको बता दूं पेटीएम खुद एक पेमेंट्स बैंक है और अभी तो वैसे वो 2020 वाली सीरीज चल रही है, उसके स्पॉन्सर भी हैं पहली मैच देख रहा था 2020 तो हर जगह पेटीएम लगा हुआ। तो एनीवे तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, पेमेंट्स बैंक से अगर उनका फुल फ्लेज बैंक बनने का इरादा हो और अगर वो इरादा हो और उस हिसाब से वो यस बैंक सोच रहे हो तो उनकी तरफ से खंडन आ चुका है। तो 10 तारीख की बोर्ड बैठक के फंड रेजिंग के उससे पहले एक और संभावित दावेदार बाहर हालांकि उन्होंने कभी नहीं कहा, लेकिन बाजार अंदाजा लगा रहा था कि पेटीएम भी ऐसा दावेदार हो सकता है। तो यस बैंक के लिए ये खराब खबर कि सिंपल चीज है, पेटीएम अब यस बैंक को खरीदने की दौड़ में इस वक्त है नहीं। अब बिगुल बजा दे चार्ट कॉर्नर। ओके बताएं सर। संदीप जी खरीदारी की राय है, खरीदना है अडानी पोर्ट्स, जिसमें कि एक ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ नजर आ रहा है, एक बेस बना है, काफी वक्त लगा करके स्टॉक ने एक बेस तैयार किया है और अब यह बड़ी उड़ान भरने के लिए तैयार है, मौजूदा स्तरों पर अडानी पोर्ट्स को बाय करना है। ओवर टू राकेश। देखिए काफी बेहतरीन टेक्निकल रुझान है, नीचे से क्लियर रिवर्सल है, यहाँ पर खरीदारी की राय है। 383.80 रुपए 383.80 का स्टॉप लॉस है, 394 पहला टारगेट है, 398 दूसरा टारगेट है। तो अडानी पोर्ट में करनी खरीदारी, 394 398 दो टारगेट हैं, 383.80 384 कर लें सर? नहीं
नहीं संदीप जी 383.80 रुपए ही रखे मुझे तो कन्फर्मेशन नहीं चाहिए नहीं 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 राकेश जी हमेशा मना करते हैं। मैं राकेश जी के साथ हूँ राउंड फिगर कैसे तो राकेश जी ने तो अच्छी बात है अच्छा नहीं मैं भी साथ ही हूँ मैं तो सिर्फ कन्फर्मेशन ले रहा था कि क्या किसी स्टॉक के लिए लीवे रखते नहीं स्टॉप लॉस में कोई छेड़छाड़ नहीं ये लगातार ये कहते हैं वो तो बार बार राकेश जी का परमानेंट डायलॉग है टारगेट कम ज्यादा कर लेंगे लेकिन स्टॉप लॉस नहीं बदलेंगे। लेकिन इस बीच अभी हम यस बैंक की बात कर रहे थे जहां पे काफी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा है ये खबर भी आई है लेकिन इस पूरे बैंक को लेके क्या बातचीत चल रही है क्योंकि 10 तारीख को इनकी एक बोर्ड बैठक भी है जिसमें ये पूंजी जुटाने के ऊपर विचार करने वाले हैं क्या डिटेल्स हैं क्यों स्टॉक में एक्शन देखने को मिल रहा है क्या खबरें हैं ये पूरा जायजा हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी के पास है आइए उन्हीं के पास चलते हैं। पूजा बताइए क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं यस बैंक को लेकर। जी 10 जनवरी को बोर्ड की बैठक होगी पूंजी जुटाने को लेकर कुछ फैसला हो सकता है जिसमें कि शेयर बॉन्ड या डिबेंचर जारी कर ये रकम जुटाई जाएगी। अब ये जो रकम जुटाएगी इससे पूंजी के हालात तो सुधरेंगे ही लेकिन इनकी जो बाकी दिक्कतें हैं वो भी कहीं ना कहीं कम होगी। एसेट क्वालिटी की कुछ दिक्कतें हैं इसके अलावा उसके सामने काफ़ी ज़्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ रही है तो एक कैपिटल अगर इनको मिल जाता है तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं इनको राहत मिलेगा। और इसके अलावा इनका जो लेंडिंग कारोबार है जिसमें कि काफ़ी समय से हम धीमी ग्रोथ देख रहे थे उसे भी कहीं ना कहीं सहारा मिलेगा। तो इस वक्त पूंजी की जरूरत काफी है और जब भी इससे जुड़ी कुछ खबर आती है यस बैंक में एक तेजी ही दिखाई देती है। बैंक के करीब 120 करोड़ डॉलर जुटाने को मंजूरी भी दे दी थी यहां पर बोर्ड ने और बड़े पी निवेशक के निवेश के प्रस्ताव पर भी सोच विचार अभी भी जारी है। हो सकता है कि 10 जनवरी को जो भी आउटकम निकल कर आए उसमें यह फैसला होता हुआ दिखाई दे। लेकिन हमने कुछ रिसर्च किया है कि अगर ये पूंजी मिल जाती है बैंक को तो इनकी कैपिटल की हालात क्या होंगे। इसमें अगर CRAR यानी कि जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है रेगुलेटरी नियम के अनुसार 9% के आसपास होना चाहिए मौजूदा 16.3% है। अगर ये कैपिटल मिल जाता है तो इस निवेश के बाद जो अनुमान बताया जा रहा है यस बैंक के कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का वो 18% हो जाएगा तो काफ़ी एक मजबूत पोजीशन हो जाएगी यस बैंक की। इसके अलावा उनका टीयर 1 और CET1 जो रेशियो है उसमें भी कहीं ना कहीं सुधार दिखेगा तो ये कुछ पूंजी के हालात तो काफ़ी ज़्यादा सुधरेंगे ही लेकिन इसके साथ ही साथ जो बाकी दिक्कतें हैं वो भी कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आएगी। तो पूंजी जुटाना इनके लिए बहुत अहम है अगर ये पूंजी जुटा लेते हैं तो जाहिर सी बात है फिर इनकी जो वित्तीय हालात है उसमें काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। सिद्धार्थ जी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप अभी खरीदेंगे मान लीजिए जो फंड रेजिंग को लेकर बैठक है उसमें ये पैसा जुटा लेते हैं कोई रकम इनके पास आ जाती है और इनके जो हालात हैं जैसे पूजा बता भी रही इनके रेशियोज इंप्रूव होते हैं क्या फिर यस बैंक में खरीदारी करने का मौका बनता है। पहले संदीप जी ये देखना पड़ेगा कि पूंजी कब तक आती है क्योंकि ये बहुत मुश्किल सवाल है उतना आसानी से नहीं होगा क्योंकि जिस हिसाब से एक सेंटिमेंट्स वीक हो गए हैं मुझे नहीं लगता है कि उतना जल्दी ये पूरी प्रोसेस हो सकती है। तो अभी के लिए ना है पूंजी जब आएगी फाइनेंशियल सुधरेंगे तब कॉल लेंगे बट येस बैंक से बेहतर बहुत सारे बैंक है जो अवेलेबल है मिड कैप कैटेगरी में भी बहुत सारे बैंक है जो अवेलेबल है तो येस बैंक से मैं दूर रहना चाहूँगा। इस बीच एक स्टॉक जिससे दुनिया पूरे ट्रेडर्स देखिए दूर होते हुए दिख रहे हैं वो है NMDC का। पिछले कुछ मिनटों में आप देखिए बहुत तेजी से स्टॉक गिरता हुआ दिखा है अब 120-121 के आसपास के लेवल्स आ चुके हैं। किरण जी देखिए जरा एक बार ये जो गिरावट हुई है इसमें हालांकि ओपन इंटरेस्ट तो कुछ ऐसा ज्यादा खास बदला नहीं है क्या कह रहे हैं इसके चार्ट पैटर्न्स। देखिए एक बहुत बड़ी क्रैक आ गई पर ऐसे न्यूज मेरे तो ये सुनने में नहीं आई कि इतना बड़ी क्रैक क्यों आई पर जिस तरीके से ये स्टॉक चल रहा है मेरा मानना है कि 124 के नीचे जब तक है तब तक 115 और 112 के लेवल्स टेस्ट होते नजर आ जाने चाहिए पर रिस्क भारी रिस्क वाला ट्रेड रहेगा तो थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करें स्टॉक को थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करें ये बेहतर होगा आपके लिए। लेकिन इस बीच एक और स्टॉक है और वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस आज सुबह हमने शॉर्ट कॉल के तौर पर दिया था आज का हीरो 725 पहला टारगेट था गैप से खुला नहीं आपको हमने कहा भी था कि 730-732 की रेंज में आपको शॉर्ट करना चाहिए एग्जैक्टली आज का हाई 731.50 है। पहला टारगेट 725 दूसरा टारगेट 715 और तीसरा टारगेट था 710 और आज का लो है 710.75 रुपये। साइंड सील डिलीवर्ड एंजॉय योर लाइफ 710 भी आ गया आज ये 710.75 मैंने ना ऐसे नहीं ये आपको बोले मैंने ग्रेस मार्क ले लिया वो तो ठीक है नहीं दिया वो उसमें बात नहीं है। कल आपने कल के 2000 में भी तो बोला था 2000 में भी दिया था 729 पर शॉर्ट कॉल दिया था आज का हीरो में भी आज फिर से शॉर्ट कॉल दिया था और 740 का स्टॉप लॉस दिया था आज का हाई 731.50। मैं इसलिए कह रहा हूँ सर आपने कल कहा था कि 710 10 तारीख तक के लिए जब रिजल्ट आएंगे ये तो आज ही आ गया
बिल्कुल, और आ गया है, तीनों टारगेट हासिल हो गए, अब बढ़ जाए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, पहले पे किया तो ठीक, नहीं तो दूसरे पे कर लेते, दूसरे पे नहीं किया तो तीसरे पे 75 पैसे से रह गया वहां कर लेते, और कहीं नहीं किया, आप ज्यादा समझदार हैं, आपको पता है, फिर कहने की जरूरत नहीं, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, अभी भी जबकि सारा आईटी पैक मजबूत है, ये अकेला कमजोर है, करेक्ट? तो वागले साहब, अभी भी जो बहादुर लोग हैं जिन्होंने अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया, शॉर्ट खड़े हैं, उनके लिए कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो तो बता दो, और काटना है तो भी बता दीजिए। अनिल जी, ट्रेंड तो डाउन है, अगर आपका मतलब व्यू बेरिश है तो मैं समझता हूँ होल्ड करना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका 730 का ही होगा, और मुझे लगता है आपको लोअर लेवल्स मिलने चाहिए। मैं समझता हूँ 705 तक के डाउन साइड में देख रहा हूँ। तो 705 तक के डाउन साइड हो रहे हैं, लेकिन स्टॉप लॉस फॉलो करते चाहिए, चलिए वो ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। ऑटो सेक्टर टॉक ऑफ द टाउन है, स्टॉक्स बड़े एक्शन में है, आने वाले दिनों में क्या कुछ इसमें रिवाइवल होगा, रिकवरी होगी, सुधार होगा, या रहेगी सुस्ती, इस पर की है एक खास रिसर्च हमारे रिसर्च एनालिस्ट कुशल गुप्ता ने। कुशल, बताइए क्या खास रिसर्च है? जी बिल्कुल अनिल जी, तो यहाँ पर मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि अभी लास्ट 1.5-2 महीनों में जो भी डेवलपमेंट्स हुई है ऑटो सेक्टर को लेकर, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, वहाँ अब इस जंक्चर पर हमें देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी एनालिस्ट मान रहे हैं कि बॉटम आउट हो चुका है और एक्चुअली अब तेज़ी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, पर दूसरी तरफ नेगेटिव ट्रेंड्स भी लगातार हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जो धीमेपन के संकेत हमें मिल रहे हैं उससे शुरुआत करता हूँ, जहाँ पर दिसंबर बिक्री के आंकड़े जो अभी हाल फिलहाल आए थे वो अगर आप देखें तो वहां पे अभी भी जो धीमापन है और जो प्रेशर है वो ऑटो सेक्टर पर बना हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर आप हीरो मोटोकॉर्प को ले या बजाज ऑटो, आइशर मोटर्स, अशोक लेलैंड, इन चारों कंपनियों में लगातार जो गिरावट है बिक्री में वो देखी गई है दिसंबर के महीने में भी। इनफैक्ट अगर आप इनमें से 3 स्टॉक्स को देखेंगे तो वहां पर तो काफी ज्यादा गिरावट है। अगर एग्जाम्पल देखें तो आइशर मोटर्स आप देखिए पर्टिकुलर करीब 3.5% की गिरावट है, जबकि मार्केट जो है आज सुबह से काफी रिकवरी मोड पर हमें देखने को मिला है, तो एक वो पॉइंट है। साथ ही जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है वहां पर अभी सबसे ज्यादा प्रेशर बना हुआ है। इनफैक्ट कंपनियां काफी डिस्काउंट भी दे रही है कमर्शियल व्हीकल की जो सेल्स है उसको बढ़ाने के लिए, पर वहां पे अभी भी इंपैक्ट आता हुआ नजर नहीं आया है। और इसके अलावा अप्रैल 2020 में जो BS6 लागू हो जाएगा उसको देखते हुए जितनी भी कंपनियां उनके कॉस्ट स्ट्रक्चर में 10-15% का इजाफा संभव है, तो कहीं ना कहीं ये धीमेपन के संकेत आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी दर्शा रहे हैं। पर पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर आप देखें तो वहां पे मजबूत उत्पादन आंकड़े लगातार कंपनियों से आते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें अगर मारुति सुजुकी के आज ही आंकड़े आए हैं जो दिसंबर के उत्पादन आंकड़े, उसमें करीब 8% की बढ़त हमें देखी गई है। नवंबर में भी इनका प्रोडक्शन ग्रोथ बढ़ा था 9 महीनों के बाद। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा के भी कुछ दिन पहले जो प्रोडक्शन आंकड़े हैं दिसंबर के, उसमें 22% का उछाल देखा गया था। और साथ ही फोर्स मोटर्स, यहां पे तो बढ़िया बिक्री के नंबर्स भी आए थे और साथ साथ प्रोडक्शन जो है वो भी बढ़ता हुआ नजर आया था। इसके अलावा BS6 के पहले ये जो Q4 रहेगा जनवरी से मार्च का पीरियड जो अभी चल रहा है, यहां पर आप देखिए ऑटो बिक्री में जो प्री बाइंग है वो एक्सपेक्टेड है, तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर ऑटो सेक्टर के लिए बन सकता है। इसके अलावा जो स्क्रैपेज पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं काफी टाइम से, वहां पे अगर स्क्रैपेज पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाती है और उसके जो भी नियम निकल के आते हैं, करीब 5-15 एनालिस्ट मान के चल रहे हैं कि नई डिमांड जो है वो क्रिएट हो सकती है, तो ये कुछ एक पॉजिटिव ट्रिगर्स लग रहे हैं ऑटो सेक्टर के लिए। ओके, तो दोनों तरह के व्यूज हैं ऑटो सेक्टर की, जहाँ तक बात है पॉजिटिव्स भी हैं नेगेटिव्स भी हैं। सिद्धार्थ जी, आपने सुना भी किस तरह से ऑटो बिक्री को लेके, CV सेगमेंट को लेके, BS6 को लेके नेगेटिव माहौल है, और पॉजिटिव्स ये हैं कि मारुति, M&M, फोर्स मोटर जैसी जो कंपनीज हैं इनके प्रोडक्शन के नंबर्स देखिए या तो फिर फोर्स मोटर्स के जो बिक्री के नंबर्स आए थे दिसंबर महीने के वो बहुत ही इंकरेजिंग थे, और आने वाले समय में हो सकता है और भी इंप्रूवमेंट आता हो दिखे। आप किस खेमे में हैं सर, क्या ऑटो सेक्टर का रिवाइवल हो चुका है, बॉटम बन चुका है, या अभी पेन बाकी है? संदीप जी, हमें लगता है कि वर्स्ट इज ओवर, ऑटो सेक्टर का वर्स्ट ओवर हो चुका है, जितने भी खराब आंकड़े खराब खबरें आनी थी वो आ चुकी है, अब रिवाइवल कितना फास्ट होगा वो देखने वाली बात है। पर मुझे लगता है 2-व्हीलर स्पेस और 4-व्हीलर स्पेस में जल्द से जल्द रिवाइवल आ सकती है आने वाले 3-6 महीने में। कमर्शियल व्हीकल में अभी भी समय लगेगा, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल का एक जनरली एक साइकिल होता है, 3 साल खराब 3 साल अच्छा,
तो मुझे लगता है कि कमर्शियल व्हीकल का साइकिल अभी भी थोड़ा सा स्लो ही रहेगा आने वाला एक साल, बट पैसेंजर व्हीकल और टू व्हीलर्स में मजबूती बन सकती है आने वाले 3 से 6 महीने में. नीडलेस टू से कि पैसेंजर व्हीकल में मारुति बेहतरीन पिक, साथ ही साथ अगर टू व्हीलर्स में देखा जाए तो बजाज ऑटो भी फाइनेंशियली, एक्सपोर्ट्स, मार्जिन्स सभी तरीके से सटीक है. ओके, तो ठीक है, फोर व्हीलर में मारुति है, टू व्हीलर में बजाज ऑटो है, बुरा दौर खत्म हो चुका. फाइव व्हीलर भी एक है, 5 डिजिट में हमारा मैग्नेटी बहुत तेज दौड़ लगाता हुआ 3144450. 31,450 का हाई अभी अभी बनाया. अभी 20 मिनट पहले हम बात कर रहे थे कि खरीदे, 31,500 तक की तो नॉन स्टॉप जगह है और वहां से देखिए तेजी बनती हुई दिख रही. तो शॉर्ट काट लें तुरंत प्रवाह से, नीचे मिले तो और ऐड करें, शॉर्ट ना करें, खरीदारी करें, ये राय थी. और कम से कम आज के लिए कर रहे हैं तो फ्यूचर्स, और कल के लिए कर रहे हैं तो ऑप्शंस. 31,265 का लेवल था, 31,265 के लेवल पर, और अभी 31,450 यानी लगभग लगभग 1,250 पॉइंट तो वहां से बढ़ी गया. 31,450 का अभी का हाई है, सुबह का नहीं है, सुबह का 31,350 का ही हाई था. तो अभी सुबह वाले हाई को भी हमने पार किया और नया हाई भी बनाया. जब हाई पे हाई बन रहे हो तो फिर ऐसे में स्टॉक्स भी हैं जो रहेंगे एक्शन में. बताने के लिए तैयार है कुणाल जी और राकेश जी चार्ट कॉर्नर के बिगुल के साथ. बताएं सर. अनिल जी, खरीदारी की राय है स्टील अथॉरिटी यानी कि सेल में, जिसमें कि एक ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ नजर आ रहा है. ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है कई दिनों से, 2 दिन का करेक्शन भी पूरा हुआ है और वापस से अब इसमें तेजी बनती दिख रही है. ये 50 के स्तरों को पार करने की क्षमता रखता है, तो इन स्तरों पर स्टील अथॉरिटी को बाय करना है. ओवर टू राकेश. अनिल जी, काफी बढ़िया टेक्निकल रुझान है. मेटल स्टॉक में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लगता है जितने भी मेटल स्टॉक हैं, लीस्ट करेक्शन है. 45.50 रुपये छोटा स्टॉप लॉस है, एक बड़ा स्टॉप लॉस 44.90 रुपये का बैठता है. पहला टारगेट यहाँ पर 50.50 रुपये है और दूसरा टारगेट 52 रुपये का है. 50.50 रुपये पहला टारगेट, 52 रुपये दूसरा टारगेट है. सेल में करनी है खरीदारी 45.50 रुपये, ये आपको स्टॉप लॉस के तौर पे मेंटेन करना है. ज़बरदस्त मूव है, डे हाई के आसपास स्टॉक ट्रेड करा है, 2.5% के आसपास की मजबूती, 47 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ. लेकिन इस बीच स्टॉक्स तो हैं जो कि मूव कर रहे हैं लेकिन ऑप्शन के जरिए. लेकिन उससे पहले एक बिगुल वागले साहब के लिए BTST का. अच्छा, ऑप्शन का भी आ गया है, छोटा ऑप्शन बड़ी कम है. अच्छा एक मिनट, कौन है छोटा ऑप्शन बड़ी कम है? विशेष जी आप हैं फोन लाइन पर? जी सर. एक मिनट रुकिए, आपके सीनियर है वागले साहब, उनके लिए पहले एक बिगुल. वागले साहब अच्छा वाला कॉल देना, विश्वेश जी को रोक के आपके लिए बिगुल बजाया है. अनिल जी थैंक यू, मेरा BTST है 176 पे, जिंदाल स्टील बाय करके चले. आपका 2-2.5 रुपए का स्टॉप लॉस होगा 173.80 का. मुझे लगता है 181 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिलने चाहिए. 181 का पहला टारगेट, 184 का दूसरा टारगेट. 181 184, 181-184 ये है टारगेट ऊपर के लिए. खरीदना है JSPL 173.80 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, यहां पर तेजी करने का है. सारे के सारे मेटल स्टॉक्स मजबूत हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं, ग्लोबल चिंताएं कम होने की वजह से यहां पर असर दिख रहा है. अभी अभी राकेश जी कुणाल जी ने सेल को पसंद किया, स्टील अथॉरिटी को, और JSPL को पसंद किया वागले साहब ने. बचे हैं टिस्को, हिंडाल्को, वेदांता, जिसको पसंद करना तुरंत कर ले, फिर ज़्यादा समय बचेगा नहीं. ये मेरी सलाह है विश्वेश जी के लिए भी, सिद्धार्थ जी के लिए भी और किरण जी के लिए भी. लेकिन अब बिगुल विश्वेश जी के लिए, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई. बताएं सर. दो ट्रेड है सर एक्चुअली. सुबह में 9:26 पे मैंने तो बैंक में क्योंकि मैं शो में नहीं था तो ट्विटर पे डाल दिया. तो मेरा व्यू था कि आज पॉजिटिव क्लोज होंगे. आई हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू बिलीव कि जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में बाइंग हुआ है ये नॉर्मल नहीं है. वी आर डिस्काउंटिंग अ लार्ज थिंग. तो मैंने 31,800 का कॉल ऑप्शन पसंद किया था, 140 में जो 195 चल रहा है. मेरा ऐसा मानना है 120 रुपए के स्टॉप लॉस से 31,800 का 16 जनवरी का कॉल ऑप्शन 190 के आसपास खरीदना चाहिए. इसका टारगेट होगा 300 रुपए 350 रुपए. 16 जनवरी मतलब कल वाला नहीं, अगले हफ्ते वाला. अगले हफ्ते वाला तो 190 में लेना है. ठीक है जी, बिल्कुल. स्टॉप लॉस टारगेट बताओ. स्टॉप लॉस रहेगा 120 का, टारगेट रहेगा 300 और 350 तक के टारगेट के लिए आपको खरीदना है बैंक निफ्टी का. अभी चल रहा है बैंक निफ्टी 31,420 स्पॉट लेवल, 31,800 का स्टॉप कॉल ऑप्शन खरीदना है अगले महीने. क्या ये जो
कल का है ये 31,850 का, उतना तो जाएगा ही बैंक निफ्टी, निकाल देगा सर। अच्छा, वो भी निकाल देगा। देखिए एक चीज समझिए सर, हम नीचे आए थे उस वक्त जब कंप्लेसेंसी थी, राइट। अब जब हम नीचे आ चुके हैं, हमारी वॉलेटिलिटी बढ़ चुकी है, हमारे साथ में कोई दिक्कत नहीं है, और कहीं ना कहीं वॉर लाइक जो सिचुएशन बन रही वो नहीं होगी। अगर ईरान चाहता तो बहुत ज्यादा स्टेप्स ले सकता था, बट दे जस्ट वॉन्टेड टू शो दैट बट वी ऑल्सो गॉट अ पावर अमेरिका से, दे हैव कम्युनिकेटेड वेल। ये आगे पीछे सुलट जाएगा और गोल्ड भी नीचे आ जाएगा, क्रूड भी नीचे आ जाएगा, मार्केट्स विल रैली, दैट इज माय स्ट्रांग व्यू। गोल्ड शॉर्ट कर दे विशेष जी, मेरे हिसाब से भगवान का नाम लेके उसको भी कर देना चाहिए। भगवान का नाम तो आजकल हर पोजीशन लेने के पहले और बाद में लेना ही पड़ता है, अगर कोई भी लेगा तो इस तरह के वोलेटाइल माहौल में गोल्ड अगर शॉर्ट करना तो स्टॉप लॉस टारगेट क्या होगा, जरा बताओ आप। देखिए मेरे हिसाब से गोल्ड में जो रिसेंट रैली है अगर मैं उसकी बात करूं तो डॉलर में फिलहाल 1580 के आसपास चल रहा है। मुझे फिलहाल जो भी स्ट्रक्चर है और जिस हिसाब से आज के दिन में पैटर्न अभी तक डेवलप हुआ, एंड ऑफ द डे क्लोजिंग नहीं आया, लेकिन आज का हाई गोल्ड में 1620 का के ऊपर मुझे गोल्ड जाता नहीं लग रहा है, और यहां से मेरा ऐसा मानना है गोल्ड इजिली $1540 तक आना चाहिए। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव गोल्ड, क्योंकि मैं बहुत क्लोजली ट्रैक करता हूं, एक पुल बैक के लिए बहुत मेजर लीड हुआ है। आप ही थोड़ी करते हो क्लोजली ट्रैक, हमारे बंसल जी भी करते हैं। आपके और बंसल जी के बीच में एक शास्त्रार्थ हो जाए, बंसल जी गोल्ड शॉर्ट करने का टाइम है सर, ले लेते पहले। दूसरा, अच्छा एक मिनट बंसल जी, आप गोल्ड के चार्ट निकाल के रखो, तब तक आप दूसरा वाला ऑप्शन बताइए विश्वेश जी। जी देखिए एक स्टॉक है सेंचुरी टेक्सटाइल। सेंचुरी टेक्सटाइल में पिछले काफी दिनों से जो कंसोलिडेशन था वो बहुत ही ब्यूटीफुली कंप्लीट होता हुआ लग रहा है, और जिस हिसाब से प्राइस एक्शन कंप्लीट हो रहा है, मेरा ऐसा मानना है सेंचुरी टेक्सटाइल अगर मार्केट स्टेबल रहेगा तो 5-7% चलेगा। तो करना यह है, सेंचुरी टेक्सटाइल का 500 रुपीज का कॉल ऑप्शन ₹9.50 में मिल रहा था, अभी बात करते करते ₹12 हो गया, इसको खरीदना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है सेंचुरी टेक्सटाइल के ये जो ₹9 का कॉल ऑप्शन था उसके ऊपर आज का लो स्टॉप लॉस रख के ₹7 का मिनिमम टारगेट होगा ₹22 का। ओके, ₹500 का कॉल ऑप्शन खरीदना है आपको, 10-12 की रेंज में ले लीजिए, ₹7 का स्टॉप लॉस और ₹22 का टारगेट सेंचुरी टेक्सटाइल के लिए। विश्वजीत जी जाना मत, ऑनलाइन पे रहिए आप। हाँ अब बंसल जी तैयार है आप, सोना शॉर्ट करना है? बिल्कुल अनिल जी रेडी हूँ। नहीं अनिल जी देखिए, जैसे विश्वेश जी ने बोला $1620, अनिल जी $40 का स्टॉप लॉस लगा के अनिल जी मिडिल क्लास तो अनिल जी बिक जाएगा, HNI शॉर्ट कर सकता है। मेरी गोल्ड पे अनिल जी कोई शॉर्टिंग की राय नहीं है अनिल जी, और अगर क्राइसिस बढ़ता है तो सिर्फ अनिल जी मैं खुद अपना पर्सनल पैसा क्रूड में मूव करूंगा अगर 64 के ऊपर के लेवल सस्टेन करते हैं, क्योंकि तब पैनिक होगा और अभी तक पैनिक हुआ नहीं। अनिल जी ना गोल्ड को शॉर्ट करूंगा ना अनिल जी क्रूड को शॉर्ट करूंगा, ऑलरेडी इक्विटी में एक्सपोजर है। अगर पैनिक बढ़ेगा तो अनिल जी क्रूड बढ़ेगा, तो क्रूड को लेंगे 64 के ऊपर। अभी तो अनिल जी ना क्रूड को बेचूंगा ना गोल्ड को बेचूंगा, सेफ्टी के साथ अनिल जी चाय वाय पी के अपना एंजॉय करूंगा अनिल जी दिल्ली की सर्दी को। ओके अच्छा, मुझे मेरी काफी देर से कप हाथ में था, आपने चाय बोला तो मुझे याद आया कि पीनी है। अच्छा 64 के ऊपर या कौन सा वाला आप, NYMEX वाला अभी जो 62-85 चल रहा है वही ना अनिल जी? हाँ 64 के ऊपर अगर जाएगा तो NYMEX वाला क्रूड, तब भारत में MCX का क्रूड लॉन्ग करूंगा। एल्स अनिल जी कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि जितने भी लोग इक्विटीज में हैं सब फुली इन्वेस्टेड हैं, तो क्रूड को भी सिर्फ इसलिए लॉन्ग करूंगा हेजिंग पर्पज से, कि यहाँ पे जो नुकसान होगा इन्वेस्टमेंट में वो क्रूड मेकअप करेगा कुछ एक्सटेंट तक। अच्छा तो इसका मतलब ये मैं समझ रहा हूँ कि NYMEX वाला $70 के ऊपर निकल के टिक गया तो आप तेजी करोगे, $1.5 करीबन उसका भी हो जाएगा बराबर, ये $1.25 के आसपास का है, ठीक है। तो 70 के ऊपर ये, 64 के ऊपर ये, और $40 का जो लंबा स्टॉप लॉस बताया, इस पे ऑब्जेक्शन है विश्वेश जी? इतना लंबा स्टॉप लॉस कौन देता है? आप तो, मेरे हिसाब से क्रूड भी शॉर्ट कर दीजिए। चलो मैं तो राकेश जी के अगेंस्ट में खड़ा रहने में बहुत हैप्पी हूं। $66.20 का स्टॉप लॉस रखिए क्रूड में और स्वाहा कर दीजिए, क्योंकि देखिए क्रूड में ये जो स्पाइक आया है ये एग्जैक्टली स्पाइक इज फेलिंग एट April 2019 हाई। अगर April 2019 हाई को भी नहीं निकाल पाया क्रूड ऑन द बैक ऑफ सो लार्ज कंसर्न, दैट मींस दिस इज नॉट अ गुड लॉन्ग एट द करंट लेवल। कौन सा है ये, कौन सा है हाई लेवल, क्या बताया जो आप बता रहे हैं? सर मैं WTI ट्रैक करता हूं, तो WTI में वो हाई है $66.50 का। WTI मतलब NYMEX ना? NYMEX सर। तो वो क्या 66, कितना हिंदी में बताओ, $66.50 66.50। ओके
अभी चल रहा है 63 के आसपास, बराबर है? बिल्कुल ओके, तो आप 66-50 जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक आपको तेजी नहीं करनी। इनफैक्ट उस दिन सर हम, मैं और बगा जी साथ में थे और हमारा कंसेंसस व्यू था कि फंडामेंटली बहुत रॉन्ग है क्रूड के साथ में, ये जो भी उठापटक हो रही है इसमें। देखिए मैंने 2008 ट्रेड किया और बहुत कायदे से बहुत ही सुपर ट्रेड किया है। मैंने जब वो पैटर्न देखे थे ना उस तरह के नहीं है, क्रूड मरमर के चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो एक दिन का मूव के बाद दो दिन नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, तो इस तरह के जो मूव होते हैं ना ये सस्टेन नहीं होते हैं। वी नीड अ रॉकेट मूव, मतलब क्रूड जैसी कमोडिटी में फियर दिखना चाहिए, जो फियर नहीं दिख रहा है। तो आई वुड रिस्क रिवॉर्ड मेरे हिसाब से क्रूड में तो बेस्ट है शॉर्ट करने के लिहाज से। ठीक है, हाँ बंसल जी, इस शास्त्रार्थ का कोई जवाब देना चाहते हैं या यहीं समापन करूं? नहीं अनिल जी, बिल्कुल क्रूड को शॉर्ट किया जा सकता है 64 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के, शॉर्ट बनता है अनिल जी, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, छोटा सा स्टॉप लॉस है तो इसमें कोई अगेंस्ट वाली बात नहीं। बट अनिल जी मैं इस समय खुद क्रूड को शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा साइड पे बैठे हूँ अनिल जी। ठीक बात, क्योंकि मार्केट में अनिल जी ऑलरेडी पैसा लगा हुआ है, ईरान अमेरिका की टेंशन दिमाग पे हावी है, तो जितना कम ट्रेड करें उतना अच्छा है मेरा ये मानना है, तो साइड पे बैठा हूँ अनिल जी। बिल्कुल, क्रूड के ट्रेड से मैं एग्री करता हूँ कि हाँ, बट गोल्ड में अनिल जी स्टॉप लॉस डीप है। चलिए तो ये है कच्चा तेल और सोने पे हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की राय, अब व्यू आपका जिस तरह का हो उस तरह का आप ट्रेड लीजिए। चलिए ठीक है, तो इस वक्त ये है मजबूती गोल्ड और क्रूड में आपके सामने। ठीक है, चलिए इस बीच आप कुछ और स्टॉक्स के ऊपर फोकस करते हैं जो कि पिछले कुछ मिनटों में जब ये बातचीत हो रही थी काफी एक्टिव होते हुए दिखे हैं। उसमें एक स्टॉक है L&T का, जरा किरण जी एक बार L&T के चार्ट देखिए, ये अच्छा खासा नीचे भी है और ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा खासा बना है, इसमें कोई वीकनेस की इंडिकेशन है सर? वीकनेस तो चार्ट पे है और मेरा मानना है कि इवेंचुअली ये वापस एक बार 1260 के करीब देखने को मिल जाना चाहिए और इस ट्रेड के लिए 1300 के ऊपर के स्टॉप लॉसेस रहने चाहिए और आपको पोजिशनली ये स्टॉक रखना चाहिए। ठीक है, तो ये राय है फिलहाल L&T की जहां तक बात है। इस बीच कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी का ऑप्शन भी आपके सामने लेके आएंगे, हमारे साथ SMC ग्लोबल से नितिन मुरारका साहब शामिल होंगे। लेकिन इस बीच एक स्टॉक और डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है और वो है जस्ट डायल का। इसमें अगर आप देखें तो पिछले कुछ पिंडों में काफ़ी अच्छा रुझान स्टॉक में बनता हुआ दिखा है, इनफैक्ट ये डे हाई की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। जस्ट डायल के मास्टर तो वागले साहब ही हैं। वागले साहब, आज का ये मूव कैसे पढ़ रहे हैं आप, डे हाई के आसपास जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है? संदीप, थोड़ा सा मैं लाइट जाना पसंद करूंगा, तो मैं लेके जाने की सलाह नहीं दूंगा। थोड़ा सा रेजिस्टेंस है 568-570 में, तो उसके 570-72 के बाद ही मुझे स्ट्रेंथ दिखेगी, तो कल देखेंगे, फिलहाल अवॉइड करते हैं। तो जस्ट डायल को फिलहाल अवॉइड करना है, ये वागले साहब जो कि जस्ट डायल के एक्सपर्ट हैं वो मना कर रहे हैं। अरे जस्ट एक्सपर्ट है, एक ही एक्सपर्ट है बाकी हम तो तुक्का लगाने वालों में जिन्होंने हमने बंदी कर दिया। ओके, इस बीच एक्सपायरी का ऑप्शन ये आने की तैयारी में नितिन मुरारका साहब आपको बताएंगे। नितिन जी है क्या फोन लाइन पर, बस जुड़ गए हैं। नितिन जी के लिए बिगुल एक्सपायरी का ऑप्शन। नितिन जी बताएं सर। देखिए अनिल जी, आज बाउंस जरूर है बट इसमें मैं पुट स्प्रेड क्रिएट करूंगा, बियर पुट स्प्रेड, जिसमें हम 12,050 की पुट ऑप्शन एक लेंगे और उसके अगेंस्ट में एक ही पुट ऑप्शन बेचेंगे 11,950 की। यानी 12,050 की जब हम एक ले रहे हैं तो 62 रुपीज में अभी आ रही है और उसके अगेंस्ट में एक बेचना है 11,950 की जो 24 रुपए में बिक रही है, तो कुल मिला के 35-36 रुपए का प्रीमियम आपका यहाँ से लग रहा है। और इसमें स्टॉप लॉस हम 15 रुपए का रखेंगे, यानी कि जो 35 रुपए हम खर्च कर रहे हैं इसमें स्टॉप लॉस 15 का होगा। और मुझे लग रहा है एक्सपायरी 12,000 के आसपास या उससे थोड़ी नीचे हो सकती है। ये जरूर है कि 12,000 पे मैक्सिमम पुट्स का ओपन इंटरेस्ट है बट लास्ट वीक में 2 बार 12,000 का लेवल टूटा है, तो आज थोड़ा बाउंस होने की कोशिश हो रही है बट ऐसा मुझे लगता है कि 12,000 के आसपास या उसके नीचे एक्सपायरी हो सकती है, तो उस केस में हम बियर पुट स्प्रेड बनाने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं 1:1। आपको 12,050 का पुट ऑप्शन खरीदना है, कल वाला, ये सब कल वाले है ना जी? अनिल जी कल की एक्सपायरी। ठीक है, 12,050 का पुट ऑप्शन ले लो आप, ये मिल रहा है आपको लगभग 62 रुपए में। 11,950 का सामने एक बेच दो, एक लो और एक बेचो, ये आशीष मदान जी की तरह नहीं एक लेके दो दो बेचने वाला, वो बहुत कम पैसे में बनाने के चक्कर में रहते हैं। तो हमारे वैसे भी अभी कल एक्सपायरी तो छोटे ही पैसे लग रहे हैं, 24 रुपए आपके बेचने से आ जाएंगे, तो नेट 35 रुपए की कॉस्ट है
और 15 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। टारगेट क्या रख रहे हैं सर इसका? देखिए 35 रुपए हम दे रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इसमें कम से कम हमें 60-65 रुपए का टारगेट मिलना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी जैसा मुझे लग रहा है कि 12,000 के नीचे होनी चाहिए। तो अगर 11,950 पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट आया, बट फिर भी 35 जो हम लगा रहे हैं इसका टारगेट करीब करीब 60-65 रखेंगे, और बाकी डिपेंड करता है कल किस तरीके से मार्केट खुलती है। अगर थोड़ा गैप डाउन मिलेगा तो फिर आपको टारगेट हो सकता है 80-85 से भी मिल जाए, बट अभी फिलहाल टारगेट 60-65 का रखना चाहिए। ओके, तो 60-65 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। 12,050 का एक पुट आपको लेना है 62 पे, 11,950 का पुट आपको बेचना है, 35-36 रुपए के आसपास मिलेगा, 15 का स्टॉप लॉस रखें, 60-65 के टारगेट होंगे। नितिन जी एक ही ये रणनीति है, कोई स्टॉक स्पेसिफिक क्यों राय भी होगी? जी एक ही स्ट्रेटजी है। ओके ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति हम तक पहुँचाने के लिए। तो 60-65 का टारगेट है और रणनीति आपको बनानी है, ये स्क्रीन पे आपके सामने है किस तरह से आप एक्सपायरी को प्ले कर सकते हैं। लेकिन इस बीच कुछ और स्टॉक्स की ओर भी फोकस करें, अदानी ग्रुप के, अदानी एंटरप्राइजेस, हाँ खासतौर से अदानी एंटरप्राइजेस। तो इस अदानी एंटरप्राइजेस के लिए एक बड़ी खबर आई है, झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से। कोल इंपोर्ट वाला मामला था जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिलीफ दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं। क्या है पूरा मामला और कितनी मुश्किल है बताइए देवांशी, क्या है मामला इसका? बिल्कुल अनिल जी, सबसे पहले तो जैसे कि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से इस आज जो खबर आती हुई दिखी थी वो ये थी कि अदानी एंटरप्राइज को इसलिए झटका लगता हुआ दिखा है क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में काफ़ी ज़्यादा राहत दी थी और अदानी ग्रुप के पक्ष में ये फैसला दिया था। तो इसके चलते हमने देखा कि DRI जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था इस पर रोक लगा दी गई थी। अब इसके बाद ये पूरा जो मामला हुआ था वो अक्टूबर में होता हुआ दिखा था, उसके बाद राहत मिली थी सारी की सारी पावर कंपनीज को भी। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि अक्टूबर में क्या हुआ था, 2011 से लेकर 2015 के बीच में इंडोनेशिया से जो कोल आयात होते हुए दिख रहे थे ये ओवर प्राइस थे, ये DRI का मानना था, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इनका ये मानना था कि जितने भी कोल इंपोर्ट्स होते हुए दिखे थे इस चार साल के बीच में ये काफी ओवर प्राइस थे। वो कैसे थे? क्योंकि जो भारत में इंपोर्ट्स होते हुए दिख रहे थे वो डायरेक्टली जरूर आते हुए दिख रहे थे, लेकिन जो इन्वॉइसिंग होती हुई दिख रही थी यानी कि इनकी जो रिसीट्स थी वो कई देशों के जरिए आती हुई दिख रही थी, और इसके चलते ये जो कोल है वो काफी ज्यादा ओवर प्राइस होते हुए दिख रहे थे। और इसके बदले में जितनी भी पावर कंपनीज हैं इन्होंने ये भी कहा था कि इनके जो पावर की दाम है वो बढ़ा दिया जाए, तो ये कस्टमर्स को पास ऑन होती हुई दिख रही थी। तो इसके चलते अब ये जो फैसला था ये बॉम्बे हाई कोर्ट में आता हुआ दिख रहा था। DRI ने जो था वो अदानी पावर और साथ ही अन्य 40 कंपनियों के सामने ये आरोप लगाए थे, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने अदानी पावर या अदानी ग्रुप के पक्ष में ये फैसला दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा दी है। यही नहीं, मैं आपको ये बता दूं कि DRI ने इस मामले में कई देशों को LRs भी भेजे थे, यानी कि लेटर्स रिगेटोरी जो होते हैं, यानी कि इस पर सुनवाई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लेटर्स मांगे थे और इस पर काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स मांगी हैं। दुबई, सिंगापुर, हांगकॉन्ग जैसे देशों से काफ़ी डिटेल्स मांगी गई है। तो अब क्या होगा कि क्योंकि अब वापस ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, इस पर रोक लगा दी है, तो वापस से DRI जो है इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता हुआ दिख सकता है। अब फिर से एक बार अदानी एंटरप्राइज के लिए नहीं, बाकी जितनी भी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व थी इसके लिए वापस से एक बार थोड़ी सी दिक्कतें आती हुई दिखेंगी। ओके, तो ये है पूरी जानकारी आपके लिए, क्या मामला है जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट का एक रोक लगाने का फैसला आया, जो इनको बॉम्बे हाई कोर्ट से एक राहत मिली थी, और स्टॉक आप देखिए उसके ऊपर रिएक्ट करता हुआ दिख भी रहा है। सिद्धार्थ जी, आपने अगर ये मामला आपको याद हो, आपने जो सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया उसे देखा हो, कितना बड़ा दिक्कत वाली बात है ये पूरे ग्रुप के लिए और अदानी एंटरप्राइजेस इन पर्टिकुलर। देखिए संदीप जी, बहुत बड़ा झटका है और मैं मानता हूं कि ये एक बहुत बड़ा स्पाइरल इम्पैक्ट हो सकता है पूरे ही स्टॉक पे। और ये सेगमेंट में अगर ये सेक्टर या समूह की बात करें तो हमें लगता है कि अदानी पोर्ट्स जो एक स्पेस है, एक कंपनी है, इसके फाइनेंशियल्स बेहतर है कंपेयर टू दूसरी कंपनियां। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है और वर्डिट है, मैं नहीं मानता हूं कि ये पॉजिटिवली स्टॉक लेगा, नेगेटिव रह सकता है, बट इसमें और भी PIL या प्ले फाइल हो सकता है, रिव्यू हो सकता है वर्डिट का। तो मैं मानता हूं कि देखते हैं आगे क्या होना चाहिए, बट अभी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अदानी पोर्ट ही एकमात्र कंपनी है जो फाइनेंशियली बैलेंस शीट वाइज बेहतर है। अदानी पोर्ट तो अभी राकेश जी और कुणाल जी ने एक चार्ट कॉर्नर में कवर किया भी है, 394-398 के टारगेट उन्होंने दिए थे। लेकिन किरण जी, एक बार आप अदानी एंटरप्राइजेस के चार्ट देखिए, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? अदानी एंटरप्राइजेस के चार्ट्स बेसिकली एक पुलबैक रैली वापस एक बार देखने को मिल रही है निचले स्तरों से, तो वीक नहीं है और शॉर्ट ट्रैप हो चुके हैं, और एक बहुत बढ़िया सपोर्ट आपको करीबन 195-196 लेवल्स पे देखने को मिल रहा है।
तो उस उसके नीचे के स्टॉप लॉसेस 194 के स्टॉप लॉसेस के साथ लॉन्ग पोजीशंस ही रखे, मेरा मानना है कि आपको 208-209 के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए कल के सत्र के लिए। ओके, 208-209 तक के जो टारगेट्स हैं वो अदानी एंटरप्राइजेस में देखने को मिल सकते हैं। इस बीच आप देखिए, एक सेक्टर जो कि बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है, ना केवल आज बल्कि पिछले 2-3 दिन से आप देखिए मार्केट्स में वॉलिटिलिटी बढ़ती हुई दिखी है, लेकिन इस सेक्टर में आप देखिए एक्शन तेजी का बढ़ता हुआ दिखा है, और वो है सीमेंट सेक्टर। क्यों आई है सीमेंट शेयरों में मजबूती, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मानसी, जिनके पास पूरी लिस्ट है कि क्या ट्रिगर्स है जिस वजह से ये स्टॉक्स चल रहे हैं, सीमेंट सेक्टर में एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, बताइए मानसी। जी संदीप, सीमेंट के दामों में जो बढ़त देख रहे हैं ये सबसे बड़ी वजह है कि सीमेंट की प्राइजेस में इतनी ज़्यादा बढ़त देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो आपको बता दें, हाल ही की खबर गुजरात में सीमेंट के दाम में बढ़त देखी गई है। इनके कॉस्ट में करीब 15 से 25 रुपये प्रति बोरी की बढ़त देखी जा चुकी है, जिसमें अल्ट्राटेक सीमेंट में करीब 15 रुपये प्रति बोरी की बढ़त दिखाई है, जेके लक्ष्मी सीमेंट में 25 रुपये प्रति बोरी की बढ़त इन्होंने दिखाई है, और साथ ही सांगी सीमेंट की अगर बात करें तो गुजरात में इनके दामों में 15 से 20 रुपये तक की बढ़त देखी जा चुकी है। देशभर में सीमेंट के दामों के ट्रेंड को समझने की कोशिश करें, 5% तक की बढ़त यहां पर देखी गई है, जिसमें उत्तर और मध्य क्षेत्रों में काफी हद तक तेजी देखने को मिल रही है इनके दामों में, जिसका सीधा असर वहां से जुड़ी सीमेंट कंपनियों पर पड़ता हुआ दिख रहा है। अगर इनके तिमाही दर तिमाही मंथ ऑन मंथ प्राइस ट्रेंड को समझें तो सबसे ज्यादा बढ़त उत्तर भारत से आती हुई दिख रही है, 8.2% के हाइक यहां पर सीमेंट प्राइसेस में होते हुए दिखे हैं। इसके बाद यहां पर दक्षिण भारत में भी करीब 1.3% की बढ़त का ट्रेंड है। ये तो मंथ ऑन मंथ का ट्रेंड है, लेकिन अगर हम सालाना आधार पर सीमेंट के दामों का ट्रेंड समझने की कोशिश करें तो उत्तर और पश्चिम में यहां पर भी बढ़त देखने को मिल रही है। अब कई सारे ट्रिगर्स हैं जो कि सीमेंट के लिए फिलहाल पॉजिटिव साबित हो रहे हैं, और यहां पर जिसकी वजह से बढ़त हम एक एक कर देख रहे हैं। सबसे पहले तो प्री बजट बाइंग हो रही है, जिसका एक सीधा असर सीमेंट स्टॉक प्राइसेस पर पड़ रहा है। कंस्ट्रक्शन सीजन की शुरुआत हो चुकी है, और साथ ही दिसंबर की गिरावट के बाद अब जो खरीदारी है वो धीरे धीरे वापस लौटती हुई दिख रही है। सालाना ग्रोथ 2% बढ़ने के अनुमान भी लगाए जा रहे हैं, और सरकार का इंफ्रा क्षेत्र पर करीब 1,00,000 करोड़ खर्च करने का जो रोड मैप है, इसका भी एक सीधा असर सीमेंट स्टॉक्स पर पड़ता हुआ दिख रहा है। अच्छे मानसून से मांग में बढ़त के अनुमान पूरे जताए जा रहे हैं, और दिसंबर तिमाही में जो नतीजे आने वाले हैं इन्हें इनसे जुड़े जो अनुमान है वो भी बेहतरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। सीमेंट स्टॉक्स के नतीजे जो हैं बेहतर आने की उम्मीद है। अब एक वीक के अगर गेन्स की बात करें तो कुछ तमाम स्टॉक्स हैं जिन्होंने सरप्राइजिंग गेन्स सिर्फ एक हफ्ते में दिखाए हैं, जैसे काकाटिया सीमेंट करीब 36% की बढ़त महज एक हफ्ते में दिखा चुका है, गुजरात सिद्धि सीमेंट 30%, सौराष्ट्र सीमेंट 21%, और इसी तरह से लिस्ट लंबी है। डिलबर्ग सीमेंट, श्री सीमेंट जैसे सीमेंट स्टॉक्स ने करीब 10 से 11% तक बढ़त एक ही हफ्ते के भीतर दिखाई है। ओके, तो हाल फिलहाल में जो सीमेंट की कीमतों में इजाफा हुआ है, ये पूरी सूची आपके सामने भी है जिस तरह से स्टॉक चले हैं, और प्रति बोरी जो इजाफा हुआ है सीमेंट की कीमतों में, और इंफ्रा को जिस तरह से पुश है बजट में, एक बड़े ट्रिगर के तौर पे देखा जा रहा है पूरे सीमेंट स्पेस के लिए, जिससे डिमांड रिवाइवल की एक उम्मीद बनती हुई दिख रही है पूरे स्पेस में। सिद्धार्थ जी, आप कितने इत्तेफाक रखते हैं इस चीज़ को लेके, ये जो कीमतों में इजाफा हो रहा है, आगे डिमांड में रिवाइवल देखने को मिलेगा और बजट एक बड़ा पुश हो सकता है इस पूरे स्पेस के लिए, क्या राय है आपकी पूरे सीमेंट स्पेस में? बिल्कुल, हम पॉजिटिव है, और दो कारण है पॉजिटिव रहने का। पहला, जनवरी मंथ में जो भी नतीजे आएंगे, दिसंबर क्वार्टर तिमाही नतीजे, वो बहुत अच्छे आएंगे। और दूसरा, जो बजट से उम्मीद लगा के रखे हैं कि बहुत बड़ा स्पेंड हो सकता है, और पब्लिक स्पेंडिंग इनएविटेबल है, अब करना ही पड़ेगा सरकार को, तो हमें लगता है कि सीमेंट का कंजम्पशन डिस्पैचेस बहुत बेहतर होंगे। मध्यम और दक्षिण भारत की दो कंपनियां चुनना चाहूंगा यहां पे। पहला, हेडलबर्ग सीमेंट, मल्टीनेशनल कंपनी, जर्मन बेस्ड कंपनी, बहुत बेहतरीन फाइनेंशियल्स, ईवी पर टन, दूसरे इत्यादि फाइनेंशियल्स भी सटीक है। हेडलबर्ग सीमेंट पे आप जरूर खरीदारी कर सकते हैं 3 से 6 महीने के पर्सपेक्टिव से। और दूसरा, दक्षिण भारत की कंपनी रैमको सीमेंट, जो पुराना नाम मद्रास सीमेंट, हमें लगता है कि ये भी कंपनी बहुत बेहतरीन फाइनेंशियल के साथ स्टैक्ड अप है। तो मिड कैप सीमेंट में हेडलबर्ग और रैमको दोनों ही बाइंग है। अच्छा, ये रैमको सीमेंट का नाम पहले मद्रास सीमेंट था? रैमको सीमेंट का नाम मद्रास सीमेंट था। अच्छा, तो ये रैमको सिस्टम, रैमको इंडस्ट्री, इनका नाम भी मद्रास इंडस्ट्री, मद्रास ये सिस्टम ऐसा था क्या? जी नहीं, खाली रैमको जो मद्रास सीमेंट था उसका नाम चेंज होकर रैमको हुआ है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा लॉजिक मैंने कहा लगा के देखूं
क्या पता सही निकल जाए. ओके, तो रैमको सीमेंट ये है खरीदारी करने की राय. सीमेंट कंपनियों में बेहतरीन कंपनी जो पसंद है इस वक्त. अच्छा, 3.20 हो रहे हैं. बैन से बेनिफिट भी और उसके बाद हमारी स्ट्रेटेजी भी. आप बोलिए, आप हमारा बिल्कुल रेडी है. बिल्कुल रेडी तो ऐसा एक मिनट दे दीजिए, बस एक ही मिनट. कोई बात नहीं, ठीक है. फिर बाद में लेट वाला मामला ना आ जाए, ट्वीट आने लगेंगे आपको. ना ना नहीं, नहीं, एक मिनट दीजिए, एक मिनट, मुझे एक बार कुछ डेटा देखना है इसलिए. ठीक है, इस बीच आप एक बार इन्फोसिस का स्टॉक देखिए. आईटी स्टॉक ज़्यादा करके आप देखिए, आपको मजबूत नजर आएंगे. लेकिन इन्फोसिस आप देखिए, इस पूरे ट्रेंड को कहीं ना कहीं आप विपरीत चलता हुआ दिख रहा है. अभी भी आप देखें तो करीब 8 रुपये के आसपास का नुकसान है. स्टॉक में 1% के आसपास ही गिरावट है. क्या राय आपको दी गई थी स्टॉक को लेके, क्या रणनीति आपको अपनानी थी, जरा उस पर नजर डाल लीजिए. इंफोसिस का फ्यूचर बेचने की राय है. 740 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बेच सकते हैं. 725, 715 और 710 तीन टारगेट है. रुपया कमजोर है तो थोड़ा फायदा आईटी शेयर को मिले, तो थोड़ी सावधानी से ऊपर बेचिए. स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बेचिए, एग्रेसिव ट्रेडर बेचिए, क्योंकि रिजल्ट सीजन भी और साथ ही वोलेटिलिटी भी मार्केट में काफी ज्यादा है. आज सुबह हमने शॉर्ट कॉल के तौर पर दिया था आज का हीरो. एग्जैक्टली आज का हाई 731.50 है. पहला टारगेट 725, दूसरा टारगेट 715 और तीसरा टारगेट था 710 और आज का लो है 710.75. साइंड सील डिलीवर्ड, एंजॉय योर लाइफ. तो थी इन्फोसिस को लेके आपके सामने रणनीति. सारे टारगेट्स हिट होते हुए दिखे आज का हीरो के भी और कल के 2000 के भी सारे टारगेट्स 710 तक के इसने अचीव किए हैं आज के सेशन में. अब आज की स्ट्रेटजी 3.20 की. चलिए एक बार इंटरनेशनल मार्केट देख लेते हैं कि डाउ फ्यूचर जो कि हमने पहले देखा था करीब 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट, 90 पॉइंट के आसपास की गिरावट अब भी वहां पे देखने को मिल रही है. यूरोपियन मार्केट्स जो कि आधा से 0.5% तक नीचे थे, एक बार वहां देख लेते हैं किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है. अभी क्या गिरावट बढ़ी है या कम हुई है? इनफैक्ट कम हुई है, रिकवर होते हुए दिखे हैं. 0.5% के आसपास तक की रहेगी यूरोपियन मार्केट्स में गिरावट. और एशियन मार्केट्स हमने देख ली थी करेंसी. और एक बार क्रूड जल्दी से दिखा लीजिए वहां पे किस तरह का एक्शन है. करेंसी हमारी रिकवर हुई है 71-79 के आसपास के लेवल्स हैं. और ब्रेंट क्रूड की जहाँ तक बात है तो वहाँ पे भी एक समय जहाँ हमने 70 के लेवल्स भी देखे थे, अब 68-66 के आसपास के लेवल्स. क्या करना है सर? बेचने की हिम्मत नहीं है और खरीदने का मन नहीं है. मन नहीं है, हाँ. उसकी रीज़न बताऊँ संदीप की. देखिए संकेत थोड़े थोड़े बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि ट्रंप साहब का ट्वीट खराब नहीं हो सकता? इस बात की क्या गारंटी कि ईरान कुछ और नहीं कर सकता? इस बात की क्या गारंटी? अच्छा, एक वो कौन सा फर्स्ट स्वैक जो है, कोई पता नहीं वो ट्विटर हैंडल, उस पर मैं पढ़ भी रहा था अभी. उन्होंने इराक के हवाले से कहा है कि जो ईरान ने किया वो तो ठीक है, हम ईरान से भी बड़ा एक्शन लेंगे अमेरिका के अगेंस्ट में. उन्होंने भी बोला, अब वो कितनी सही है गलत है भगवान जाने, क्योंकि 25,000 ही फॉलोअर है, ज़्यादा नहीं है. तो लेकिन पॉइंट मेरा ये है कि आप ये नहीं मान सकते भाव देख के कि खराब खबर नहीं आएगी. और अगर आप ये नहीं मानते खराब खबर नहीं आएगी तो मेरे लिए खरीदना मुश्किल है. और स्पेशल जब कि मैं 31,400 पे बैंक निफ्टी नहीं लूंगा. अगर ये बैंक निफ्टी 31,100 पे होता तो मैं सोचता कि मैं ले भी लूँ, तो मुझे लेना नहीं. शॉर्ट करने में रिस्क एक ही है कि आपके लिए स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का है, 31,500 का. तो मेरा ये समझना है, अगर आप बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो ऑप्शन लेकर जाएं, और वो ऑप्शन होना चाहिए आपके लिए 31,200 का निफ्टी का पुट ऑप्शन, बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन 31,200 का, 200 रुपये नीचे का, कली का. तो आपको सस्ता मिलेगा. जरा एक बार है ना, अपने साथ किरण जी है ना, किरण जी जरा 31,200 का कल का पुट ऑप्शन निकालिए कितने में आ रहा है, तो वो आपके लिए थोड़ा सस्ता है. और जिनको तेजी करनी है वो 31,500 का कॉल ऑप्शन लेकर जाए, ठीक है? तो सिंपल है, आपको व्यू बनाना है ये मान के कि अच्छा होगा, आपको लगता है सब कुछ अच्छा होगा, तो 31,500 का कॉल ऑप्शन लो कल का. और अगर आपको लगता है अच्छा होने की संभावना कम है, 31,200 का पुट ऑप्शन. मेरी राय होगी अगर लेना ही है तो 31,200 का पुट ऑप्शन छोटा क्वांटिटी में लो. ये सोच कर लो कि जितना पुट ऑप्शन के आप प्रीमियम दे रहे हो उतनी प्रीमियम गई. किरण जी मिल गया कितने की प्रीमियम का है? 31,200 का पुट ऑप्शन अभी प्रीमियम चल रहा है 133-134. इतना ज्यादा? बिल्कुल. अरे अभी भी 130 और 31,500 का 250 रुपए, 260 का चल रहा है कॉल ऑप्शन में. नहीं पुट की बात कर रहे हैं, 31,500 का कॉल ऑप्शन. अच्छा 31 कॉल ऑप्शन 120 रुपए. 120 रुपए, हाँ. तो 31,500 की कॉल सस्ती मिल रही है एक्चुअली, 31,200 का पुट महंगा मिल रहा है, वो भी 125 रुपए, जबकि वो 180 पॉइंट दूर है. तो मेरा ये समझना कि इस प्राइस पर
तेजी करने के लिए आप सुबह ही ले लेंगे 31,500 के ऊपर भी तो क्या दिक्कत है, ओवरनाइट पोजीशन मैं तो नहीं रखना चाहता। तो पहले भी कहा आपने, हाँ तो वो रिस्क है, एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो ही आप एक काम करिए कि 31,200 का एक पुट ऑप्शन खरीद के जाइए निफ्टी में, लेना नहीं है। निफ्टी में 12,025 छोड़ दीजिए, नोटा न बाय है न सेल है, कोई ऑप्शन भी नहीं, ना नहीं नहीं मतलब नहीं है 12,000 पे, कभी कभी नहीं करने में ज़्यादा समझदारी है। कोई मुझे क्लियर कट समझ नहीं आ रहा, ना तो न्यूज़ फ्लो समझ में आ रहा है ना डेटा समझ में आ रहा है, 12,000 के लेवल पर हाईएस्ट पुट है, अब हो सकता है कल आपको 50-75-100 पॉइंट गैप मिल जाए, हो सकता है 100 पॉइंट नीचे, अगर समझिए फर्ज करें। चलिए मैं तो एक आपको सिंपल एक हाइपोथिकल क्वेश्चन देता हूँ, ट्रंप साहब कुछ भी ख़राब ना बोले उसके बावजूद अगर इराक ने मिसाइल छोड़ दी तो ये भी है भाई, इराक भी तो छोड़ सकता है, इराक क्या बोलेगा आपने मेरी ज़मीन पे आके हमारे गेस्ट को क्यों मारा, चलो अमेरिका वालों निकलो बाहर, हमारे यहाँ एयरबेस बना रखे हैं आपने, राइट बिल्कुल, अरे होने में कुछ भी हो सकता है, हम ऐसा सोचना नहीं चाहते लेकिन होने में हो सकता है ना कि कल, तो फिर क्या होगा और दो देश कूदेंगे, लो जी अभी तो ईरान और अमेरिका लड़ रहे हैं, अभी इराक भी आ गया, तो बिगड़ने में बहुत कुछ बिगड़ सकता है, अच्छा होने में भी बहुत कुछ हो सकता है। ट्रंप साहब कहते हैं हमारा झगड़ा खत्म, चलो हो गया काम, हमारे तो सुलेमानी जी से झगड़ा था, ईरान से थोड़ी था, तो हो गया खत्म, तो कल वापस तेज भी हो जाए, तो क्या होगा ये किसको पता है। जब इतनी अनसर्टेनिटी हो तो कुछ करना जरूरी क्यों है, शांति से बैठिए, कुछ मत करिए, आराम, और अगर करना ही है तो ऐसे माहौल में मैं एक सिंपल फॉर्मूला लगाता हूँ संदीप, जब इतनी अनसर्टेनिटी हो और आप ट्रेडर हो तो लॉन्ग पोजिशन में रिस्क ज़्यादा होती है, शॉर्ट में कम होती है, अच्छी खबर आने के चांस कम होते हैं, बुरी खबर आने के चांस ज़्यादा होते हैं, ये अब तक का अनुभव है, मैं चाहता हूँ कि गलत पढ़ूँ इस बार, तो इसलिए या तो ना करें, करें तो पुट लेकर जाएं। ठीक है, ये राय है फिलहाल 320 की स्ट्रेटजी में, निफ्टी में कोई ट्रेड ना लें, और अगर आपको निफ्टी बैंक में ट्रेड करना ही है 31,200 का पुट ले लीजिए जो कि 133-134 के आसपास है, या तो फिर 31,500 का आप कॉल ले लीजिए, आपका व्यू के हिसाब से 120 रुपये के आसपास ये भी आपको अवेलेबल है। लेकिन आप कह रहे हैं शांति के साथ बैठना, लेकिन हमारे साथ आशीष आके बैठ चुके हैं सर, आशीष बेंच से बने, चलिए जल्दी से। लास्ट टाइम तो आपसे बात हुई थी ना, कल के हफ्ते पर बाद आओगे आप वापस, बिल्कुल अनिल जी आज लंच हो गया लंच तो आज हो गया यस बैंक बाहर निकलेगा कि नहीं, कोई संभावना नहीं नजर आ रही है कि यही एक ऐसा स्टॉक बचा अनिल जी जो लगातार बैंड में बना रहता है, और कल के मुकाबले अगर देखें तो मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट जो है केवल 1% घटी है, 87% है, 80 से नीचे घटेगा तब जाके बैंड से निकलेगा, अब उसकी संभावना तो बिल्कुल नहीं नजर आ रही है। ओके ठीक है, फिर तो आप एंजॉय कीजिए, आशीष शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कोई ऐसी संभावना है नहीं कि ये बाहर आ जाएगा एफएनओ बैन से, लेकिन इस बीच कुछ एक स्टॉक्स जो कि पिछले कुछ मिनटों में काफ़ी एक्टिव होते हुए दिखे हैं उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, उसमें एक अदानी पावर, क्योंकि अदानी एंटरप्राइजेस की बात अभी हम कर भी रहे थे, इसके ऊपर भी उसका इंपैक्ट आता हुआ दिख रहा है, जो अदानी एंटरप्राइजेस को लेकर खबर आई है। किरण जी इसमें कोई ट्रेड बनता है, कोई BTST या STBT का? वीकनेस बिल्कुल है, मुझे लगता है कि शॉर्ट पोजीशन से रखने चाहिए, अगर ये आज के सत्र में जिस तरीके से ये बाहर निकल एक इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन देता नजर आ रहा है, 60 के नीचे ट्रेड कर रहा है, वीकनेस बिल्कुल देखने को मिल रही है। मेरा मानना है कि ये 57-50 और 56 ये टारगेट मान के चलने चाहिए, आपके स्टॉप लॉसेस रहने चाहिए 61 पे। वागले साहब जल्दी से बताइए एनआईटी टेक में BTST करेंगे? पक्का करेंगे, करो तो फिर लेके जाइए, यहाँ पर लेवल बताइए आपके 1696 के तो आगे, हाँ वो तो आ गए, मैं तो बोलता हूँ अभी 1690 है, यहाँ पर लेके जाइए, 12 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, मुझे लगता है कल सुबह या एक घंटे में डेढ़ घंटे में 1715-1720 के लेवल्स मिलने चाहिए। ये दो स्टॉक है ना वागले साहब, आप नोट करके रख लो, एक तो एनआईटी टेक और दूसरा जस्ट डायल, नोट कर लिया आपने दोनों? कर लिया, इनमें जब भी आपके कॉल आए ना तो बिना झिझक के आप दे दिया करें, इनमें कॉल में आपका स्ट्राइक रेशियो जबरदस्त है एकदम, मतलब आज सुबह सुबह खुलते ही एनआईटी टेक 1673 पे वागले साहब बोले खरीद लो खरीद लो खरीद लो, ठीक है 1696 का आज का टारगेट, और ये बोले दो चार दिन का है, मुझे मालूम था दो चार दिन का क्या, ये आज ही दे हाई पर बनना हो रहा है, इस वक्त जो भाव है 1694 यही आज का हाई है, तो अगर आपने सुबह खरीदा है तो प्रॉफिट बुक करना चाहे, रिस्क नहीं रखना चाहे, कर भी सकते हैं, और कल के लिए तो अभी भी कोई खास नहीं।
फाइनल क्लोजिंग का करिए इंतजार, लगभग इन्हीं लेवल के आसपास होगी, ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी देखना तो जरूरी है। लेकिन आज बाजार बंद होने के बाद जो खास शोज है मैं बता दूंगा आपको, कोई महंगा फोन लेने की सोच रहे हैं या फिर आप सोच रहे टच स्क्रीन वाला, आजकल टच स्क्रीन वाला फोन दिल्ली में एक बड़ी प्रॉब्लम है बड़ी जबरदस्त। बंसल जी को पूछता हूँ, बंसल जी आप टच स्क्रीन वाला फोन यूज करते हो? बिल्कुल अनिल जी, टच स्क्रीन फोन ही यूज कर रहा हूँ अनिल जी। टेम्परेचर कितना है दिल्ली का? अनिल जी टेम्परेचर तो काफी नीचे का हो रखा है अनिल जी। आप रात का पूछ रहे हैं दिन का पूछ रहे हैं अनिल जी? मतलब जब भी आप फोन यूज करते हो, मतलब रात को भी करते होंगे दिन में भी करते होंगे, मिनिमम टेम्परेचर 4-5-6 degrees तक तो आता होगा, कितना आता है? हाँ अनिल जी 2-2.5 degrees भी आया है पीछे। तो मेरे एक दोस्त ने एक मुझे समस्या बताई, बोले टच स्क्रीन वाले फोन के साथ बड़ी समस्या हो रही है, बोले कि अगर आप हाथ में ग्लव्स पहन के नहीं करो तो उंगलियां जम जाती है, और ग्लव्स पहन लो तो स्क्रीन टच स्क्रीन यूज वो एग्जाम है। तो आप कैसे करते हैं, आपकी टेक्निक में जानना चाहता हूँ अनिल जी। मेरे को लगता है ये व्यक्ति विशेष वाली समस्या अनिल जी, मेरी तो उंगलियां अनिल जी नहीं जम रही है स्क्रीन के ऊपर। चलिए भगवान ने करे दिल्ली वालों के साथ ये समस्या है, लेकिन आए तो थोड़ा सा आप अपने हाथों को रगड़े और गर्म कर लें और उसके बाद टच स्क्रीन का इस्तेमाल करें तो शायद फ़ोन आपके बराबर चलते रहेंगे। लेकिन सर्दी जबरदस्त, खास तौर से जहाँ नॉर्थ में आप चले जाएँ वहाँ 0-0 और माइनस में जहाँ टेम्परेचर है वहाँ बड़ी समस्या है टच स्क्रीन वाले फ़ोन इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए। तो आइए, आप अगर कोई भी महंगी चीज़ खरीदने की सोचें तो आपको अच्छी खासी कीमत इनकी देनी होती है, और यही चीज़ अगर आपको 50% ऑफ में मिले तो आधे दाम पर। यस बोलो, बताओ संजीव, ये इंटरेस्टिंग है ना, क्योंकि ये चीजें रिफर्बिश होगी। आजकल रिफर्बिश प्रोडक्ट्स का जमाना है, इनका बाजार बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और बड़ी बड़ी कंपनियां रिफर्बिशिंग के कारोबार में उतर रही है। अब सवाल ये कि ये कारोबार है क्या, रिफर्बिशिंग है क्या, और क्या आपको रिफर्बिशिंग वाले प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए या नहीं, इस पर हमारा खास शो आपकी खबर आपका फायदा शाम 6 बजे। सेकेंड हैंड नया ट्रेंड, सेकेंड हैंड इज नो मोर सेकेंड हैंड, इट इज न्यू ट्रेंड, है ना। अगर कुणाल जी, अगर सेकेंड हैंड प्रोडक्ट कोई आपको एकदम बढ़िया चकाचक करके ऐसा दे और ऐसा देख के लगे ना कि सेकेंड हैंड और प्राइस मिले आधी, तो क्या नहीं खरीदेंगे? अनिल जी बिल्कुल खरीदेंगे, लेकिन डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्या है अनिल जी। हाँ मतलब लैपटॉप मोबाइल, और सबसे बड़ी बात जैसे बंसल जी को गिफ्ट देने के लिए। अनिल जी देखिए, बंसल जी तो बड़े पार्की हैं, तुरंत अनिल जी पहचान जाएंगे, लेकिन अनिल जी बाकी लोगों को दिया जा सकता है। बंसल जी प्रोडक्ट से ज्यादा आपको पहचानते हैं मुझे ऐसा लगता है। जैसा कुणाल जी ने दिया है। ओके चलिए, शाम को 6 बजे यह मिस मत करिएगा शो सेकंड हैंड नया ट्रेंड, और रात 8:30 बजे जो मनी गुरु है उसमें हमारा एक स्पेशल शो है, इमरजेंसी में लोन पाने के 10 तरीके। अगर आपको जिंदगी में पैसे की बड़ी किल्लत है, अचानक से ये पैसे की कमी आ चुकी है, जेब खाली है, इमरजेंसी सिचुएशन है, तो पैसे लाए कहाँ से, इसका जवाब हम आज आपको देंगे। मनी गुरु में आपको 10 ऐसे तरीके बताएंगे कि आपको इमरजेंसी में तुरंत एकदम से आसानी से लोन मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, तो ये मिस मत करिएगा। आज आपको जरूरत नहीं है, भगवान करे कभी जिंदगी में पढ़े भी ना, लेकिन आप ये सोच के बैठेंगे कभी बारिश ही नहीं होगी इसलिए मैं छाता ना खरीदूं, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन तो रखना पड़ता है, और नहीं भी लो तो कम से कम ये तो पता होना चाहिए मिलेगा कहाँ, तो वही इमरजेंसी लोन के साथ है, आपको जरूरत ना पड़े लेकिन पता होना चाहिए इमरजेंसी लोन किस तरह से लिया जाएगा। तो ये है आपके लिए खास शो, मस्ट वॉच। ओके, और कल सुबह 10:30 बजे बेहद खास शो है, और वो है वेल्थ बनाने का तरीका। देखिएगा इक्विटी गुरुकुल नवनीत मुनोद साहब के साथ, बहुत ज्ञान मिलेगा और ज्ञान की झलक थोड़ी सी देख लीजिए। शाम 4:30 बजे कल सुबह भी है और कल शाम को भी है, और प्रोमो भी है। तीन दशकों में आपने जो कुछ मार्केट में सीखा है उसे हम 30 मिनट में समेटने की कोशिश करें। सबसे बड़ा गुरु तो बाजार है। हाँ, ये बाजार को कम से कम आपको एक ट्यूशन फी पे करनी पड़ती है कंटिन्यूअस। बाजार को नीचे की तरफ भी टाइम करना है कि हाँ अब लेने का वक्त आ गया, और ऊपर की तरफ भी बेचने का वक्त आ गया। जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं दैट यू हैव टू बी अ कॉन्ट्रेरियन, जब सब लोग ग्रीडी हैं तब आप फियरफुल बनो, जब सबको बहुत लग रहा है कि बहुत पैसा बनेगा तो थोड़े से फियरफुल बनो, जब बहुत लोग डरे हुए हैं तब थोड़े से आप अपनी ताकत दिखाओ।
अच्छी कंपनी अच्छे बिजनेस को पहचाने कैसे? तीन चीजें देखती होती है आपको, आपको बिजनेस देखना होता है, मैनेजमेंट को देखना होता है, वैल्यूएशन को देखना होता है। हिंदुस्तान भरा हुआ है क्रिएटिव लोगों से, जबरदस्त क्रिएटिविटी। हमारे एक दर्शक है आर दीक्षित साहब, जिन्होंने अभी अभी ट्वीट किया है, बोला अनिल जी सर्दी के मौसम में, बंसल जी आपके लिए टिप है ये, सर्दी के मौसम में अगर आपकी उंगलियां जम जाती तो आपके जो दस्ताने हैं उसके अंतिम पोर में छेद करके काम चलाया जा सकता है। भाई साहब धन्यवाद, गजब की क्रिएटिविटी। ये आप छेद करने वाली जो क्रिएटिविटी, कृपया करके अपने ही दस्तानों में करें, दूसरों के नहीं। तो ऐसे ऐसे आइडिया आ रहे हैं सर्दी के मौसम में आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं स्मार्टफोन्स को। लेकिन यूज़ करने का तरीका एक और आ चुका है, वो है आपको जी बिजनेस देखने का। अब जी बिजनेस यूट्यूब पर भी लाइव है, और अगर आप कहीं भी हैं, आपके सामने टीवी सेट नहीं है, चिंता न करें, एकदम फ्लॉलेसली आपके लिए जी बिजनेस आपका चहेता चैनल सुबह 8 से 10:30 बजे फर्स्ट ट्रेड में और 2 से 3:30 फाइनल ट्रेड में लाइव आपको देखने को मिलेगा। तो आपको एक्शन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। हम काफ़ी समय से इसकी तैयारी कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, हमें काफ़ी सोशल मीडिया पर हमारे मित्र, हमारे फैंस, हमारे व्यूअर्स ये लगातार ये कह रहे थे कि आप यूट्यूब पर क्यों लाइव नहीं रहते हैं, कई बार होता है कई बार नहीं होता है। तो अब हमारा वादा है आपको, नए साल में हमने कहा भी था नए साल में हम आपके साथ पूरी तरह से जुड़ेंगे। तो यूट्यूब पर अब आपको फर्स्ट और लास्ट, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही शो लाइव मिलेंगे। धीरे धीरे हम इसे और बढ़ाएंगे, पूरे दिन भर के लिए करेंगे, लेकिन फिलहाल ये दो शो आप जरूर देख सकते हैं। तो हेल्थ बनाने का तरीका नवनीत जी ने बताया, वेल्थ बनाने का और हेल्थ बनाने का तरीका एक और देख लीजिए, बुल रन की कर लीजिए तैयारी। और बुल रन में लगातार हमारे रजिस्ट्रेशन बढ़ते जा रहे हैं, अब 5 डिजिट में 10,000 के पार निकल चुके हैं। तो अब भी अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, कभी भी किसी भी वक्त हमें बंद करना पड़ सकता है रजिस्ट्रेशन, क्योंकि जो नंबर्स हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और अब आखिरी दिनों में तो और ज़्यादा। तो इसलिए जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और तैयारी भी। जोरों पर, क्या आप भी तैयार हैं? मैं दौड़ूंगा, आप दौड़ेंगे, पूरा देश दौड़ेगा 12 जनवरी को सुबह 6 बजे जी बिजनेस के साथ बीएससी बुलरन में, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में। आइए बनाएंगे हेल्दी और वेल्दी इंडिया सिर्फ जी बिजनेस पर। तो विदा लेने का वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से, कुणाल जी, राकेश जी और किरण जी, वागले जी, आप सबका शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और सिद्धार्थ सैदानी साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बहुमूल्य राय हमारे दर्शकों को देने के लिए। और ये अंबर एंटरप्राइजेज जैसे सर स्टॉक है ना, देते रह गई है बिल्कुल बढ़िया, ऐसी शानदार शानदार पिक्स सुन के खराब बाजार में भी मूड बन जाता है, अच्छा लगता है। शुक्रिया आपका भी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।